एक्सेक्ट्र ये कैलिब्रेशन कर हेलो माय डियर स्टूडेंट्स अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू हाउ आर यू फाइन या सुपर फाइन दैट्स ग्रेट दैट्स ग्रेट तो यस यस अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू यस जल्दी जल्दी कंफर्म कीजिए यस ऑडियो वीडियो क्लियर है जी हाँ खुशी हो जाएगा फर्स्ट लेक्चर अपलोड हो जाएगा फर्स्ट क्लास डू नॉट वरी एट ऑल यस अभी फिलहाल हम लोग क्या आज के सेशन पे फोकस करते हैं आई प्रोमिस यू कि आपका लेक्चर अपलोड हो जाएगा फर्स्ट क्लास भी ओके यस गाइस ओके yes. यस okay. yes. तो कैसे हो आप लोग अरे मुझे ये तो बताओ कि कल का क्लास पढ़ने के बाद कैसा लगा टैक्स इंटरेस्टिंग है इज यू नी लॉजिकल द ब्यूटी ऑफ टैक्स इज दैट इट इज द मोस्ट लॉजिकल सब्जेक्ट ओके Yes, तो चलो अब चलते हैं आगे कल का क्विक रिविजन कर लेते हैं एंड देन वी शाल गो अड ओके यस विध डायरेक्ट टैक्सेस गाइड कमान कमान कमानी विध डायरेक्ट टैक्सेस मुझे एक बात बताओ हम क्या पढ़ने वाले हैं मोटा मोटी क्या पढ़ने वाले हैं यस इनकम टैक्स एक्ट की दुनिया यस ऑनो तो जब हम इनकम टैक्स एक्ट नाइनटीन सिक्सटी वन बोलते हैं तो वहां पे हमने शुरुआत करी यस yes, सबसे पहले अभी तक तो सब्जेक्ट में हम लोग यस वी हैव नॉट स्टार्टेड द सब्जेक्ट एट ऑल हम लोग सब्जेक्ट में अभी तक अंदर घुसे ही नहीं है अभी तो सिर्फ हम लोग इनकम टैक्स एक्ट 1961 इन चार शब्दों का क्या कर रहे हैं पोस्टमार्टम करें हाँ या ना यस yes, तो वी फर्स्ट बिगन विद द वर्ड एक्ट जहां पे हमने क्या देखा जहां पे हमने क्या देखा गाइस यस yes, हमने ये देखा कि एक्ट बनाने के लिए ओके okay, एक लॉ को इंडिया में एप्लीकेबल होने के लिए सबसे पहले इस एक्ट का इस लॉ का ओरिजिन मेंशन कहां पे होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में होना चाहिए यस yes, ठीक है फिर उसके बाद हमने क्या देखा कि एक एक्ट डायरेक्टली एक्ट बन जाता है क्या गाइस नहीं सबसे पहले तो यस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर जिसको काम का एलोकेशन किया जाता है काम का एलोकेशन वो क्या है मतलब देर इज एन ऑर्गन विच प्रिपेयर्स लॉज दैट इज नोन एज लेजिस्लेटिव ऑर्गन बनाया हुआ लॉ इन ये एग्जीक्यूट करने के लिए एनफोर्स करने के लिए देर इज एन एंड देन जो लॉज बनाए हैं वो सामने वाला ठीक से इंटरप्रिट कर रहा है या नहीं यह समझने के लिए क्या है गाइस जुडिशियरी ऑर्गन नो प्रॉब्लम तो जब हम लेजिस्लेटिव ऑर्गन की बात करते हैं वो हु फॉर्म्स ऑर्गन हुए पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव ऑर्गन स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जुडिशियरी ऑर्गन कोर्ट्स ऑल काइंड ऑफ कोर्ट्स ऑल काइंड ऑफ ट्राइब्यूनल ऑल काइंड ऑफ सेटलमेंट कमीशन गेटिंग इट चलो आगे यस yes, एक एक्ट को एक्ट बनाने के लिए पहले उसको बिल बनना पड़ता है बिल दो प्रकार के होते हैं एक होता है मनी बिल एक होता है ऑर्डिनरी बिल मनी बिल मतलब वो बिल जो फिजिकल मैटर्स से डील करता है सोचो टैक्स से रिलेटेड मैटर्स है गाइस वो कहां पर आएंगे ओके okay, देन यस yes, फिर एक बिल बनने के बाद सबसे पहले उसको कहाँ पे प्रेजेंट किया जाता है बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट और वहां पे पास होने के बाद फिर वो बिल प्रेजेंट किया जाता है किसके पास प्रेसिडेंट और एक बार जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसको एसेंड दे दे फिर वो बिल कन्वर्ट हो जाता है और बन जाता है एक्ट यस एवरी ठीक है ओके फिर 1961 ये तो हमने देख लिया एक्ट इस शब्द का अर्थ ओके ये तो हमने देख लिया अब ये 1961 दिक्कत हमें इस इस नंबर से है 1961 का एक्ट आज भी हमको किस प्रकार से एप्लीकेबल हो जाएगा यस गाइस इस कमान बताओ किस प्रकार से एप्लीकेबल हो जाएगा वाया बजेट जो भी चेंजेस आपको लेके आने हैं वो चेंजेस कहां पे मैंशन होते हैं गाइज जो भी अमेंडमेंट्स आपको लेके आने हैं वो कहाँ पे मैंशन होते हैं गाइज कहां पर बजट में मैंशनड होते हैं राइट एवरी वन ओके यस, तो बजट बजट भी दो प्रकार का होता है एक होता है वेरी गुड इंटरिम बजट एंड फाइनल बजट सो इंटरिम बजट तो वो बजट है जो इन ईयर ऑफ इलेक्शन पांचवें साल जाती हुई गवर्नमेंट बना के जाती है फिर हमने देखा कि जो फाइनल बजट है यस yes, क्या देखा कि जो फाइनल बजट है बोलो बच्चो जो फाइनल बजट है वो एवरी ईयर आता है यस ऑन फर्स्ट ऑफ फेब्रुवरी आता है ओके नो प्रॉब्लम यस यस ओके ठीक okay. है तो चलो चलते हैं आगे हाँ अब चलते हैं आगे ये आईडी टी का नहीं डी टी का लेक्चर है एंड आईडी टी कब से स्टार्ट होगा जब डी टी खत्म हो जाएगा उसके बाद आई डी टी स्टार्ट होगा ओके okay? यस yes. चलो अब बजट बजट में क्या आता है उस 1961 के लॉ को आज के तारीख में मुकम्मल करने के लिए आज के तारीख में एप्लीकेबल करने के लिए, okay? के लिए ओके आज मैक्रो सिचुएशन को बैलेंस करने के लिए हर साल उसमें क्या लाया जाता है हर साल उसमें क्या लाया जाता है अमेंडमेंट्स लाए जाते हैं और इस अमेंडमेंट्स ओके जो डायरेक्ट टैक्सेस है ओके okay? वो क्या हो जाते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट ईयर फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट ईयर एप्लीकेबल हो जाता है और जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है वो एप्लीकेबल फ्रॉम हो जाते हैं ठीक है ओके यस यस अब टैक्स टैक्स का मतलब क्या है टैक्स का ओरिजिन कमॉन गाइज लैट इन वर्ड टैक्सो और इसका अर्थ क्या है इज द मीनिंग इट इज रेट ऑफ टैक्स देन आगे हमने क्या देखा कि टैक्स टैक्स क्यों पे करना होता है गाइज इट इज अ कंपल्सरी फाइनेंशियल चार्ज इम्पोज बाय गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू फंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर ओके यस फिर हमने क्या देखा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर क्या है दट इन केस ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स ओके देर इज नो क्विड प्रो क्यो देर इज एबसेंस ऑफ क्विड प्रो क्यो इसका मतलब क्या है इसका मतलब क्या है कंसिडरेशन इज एबसेंट अच्छा वॉइस क्लियर uh, है ना सबको यस yes, राहुल uh, आप मीटिंग लीव करके फिर से ज्वाइन कर लीजिए तो आई थिंक इट विल बी इजियर ओके चलो फिर आगे नेक्स्ट हमने क्या देखा टैक्सेस किन किन चीजों पे लेवी होते हैं इनकम पे प्रॉपर्टी पे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पे इनकम पे आने वाला टैक्स होता है डायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स प्रॉपर्टी पे आने वाला टैक्स होता है प्रॉपर्टी टैक्स एंड इन केस ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हम क्या क्या करते हैं गाइस यस यस प्रोडक्शन सप्लाई सेल बराबर है ना और साथ ही साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी करते हैं तो जो प्रोडक्शन सेल सप्लाई है उस पर आता है जीएसटी वन नेशन वन टैक्स एंड इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे आता है कस्टम्स ड्यूटी और इन दोनों को कहा जाता है क्लियर ओके यस देन दो प्रकार के टैक्सेस है कौन से प्रकार के टैक्सेस है कमान डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स ओके तो डायरेक्ट टैक्स direct tax is ka guys come on when levy and burden is on same person payment con ye material matter nahikarta it is not material when levy and burden is on same person it is direct tax when it is on different persons it is known as in case of direct tax what is the nature of tax इनडायरेक्ट टैक्स, यस, इवेजन किसका पॉसिबल है, डायरेक्ट टैक्स का और किसका कम पॉसिबल है इनडायरेक्ट टैक्स का डिपार्टमेंट हु बॉस सीबीडीटी बी डी एंड सी फिर हमने एग्जाम्पल देखे ओके फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने देखी कि कोई भी टैक्स तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होता है डू यू मीन मै थ्री पार्ट में डिवाइडेड ऐसा नहीं है कि लेवी हो गया ओके यस ऐसा नहीं है कि लेवी हो गया और गवर्नमेंट आपके पीछे आ गई दौड़ते दौड़ते कि टैक्स कलेक्ट करने के लिए नहीं ऐसा नहीं होता है देर इज अ ट्रिगर पॉइंट ओके देर इज अट जहां पर आपके ऊपर टैक्स लेवी होता है आपके ऊपर टैक्स एप्लीकेबल होता है एंड देन उसके बाद जैसे कि हमें पता है कि टैक्स को क्या करना पड़ता है इट इज अ कंपल्सरी फाइनेंशियल चार्ज इसलिए उसको क्वांटिफाई करना पड़ता है हमें देखना पड़ता है कि कितना टैक्स एप्लीकेबल है समझ में आ रहा है और फिर गवर्नमेंट हमसे क्या करेगी टैक्स कलेक्ट करेगी गेटिंग इट एवरी वन हंड्रेड परसेंट ओके फिर हमने क्या देखा वर्ल्ड ऑफ टैक्स ओके असेसमेंट लेवी असेसमेंट एंड कलेक्शन अब आज हम समझने वाले हैं द ब्यूटी ऑफ दिस आर्टिकल्स ओके जो एक्चुअली बकायदा ओके इंडियंस के ऊपर किस प्रकार से टैक्सेस एप्लीकेबल होते हैं लेवी किस प्रकार से होता है ओके okay, वो आज हम देखेंगे देन असेसमेंट के केस में देखा ओके okay? यस yes, कि हम हमें हमें क्रॉस चेक कौन करेगा ए एओ का क्रॉस चेकिंग हमको पसंद नहीं आया या हमको ऐसा लग रहा है कि बहुत एक्सेसिव है तो हम रोते रोते किसके पास जा सकते okay, okay, हैं कि नहीं भाई मेरे साथ ना इंसाफी हुई है सीआईटीए ए ने जो बोला है वो मुझे मंजूर नहीं है तो वो रोते रोते किसके पास जा सकते हैं पहले आई टी एटी देन एंड देन सुप्रीम कोर्ट और कलेक्शन की दुनिया में हमने देखा कि क्या करना पड़ता है इनको एडमिनिस्ट्रेशन करना पड़ता है इनको एडमिनिस्ट्रेशन करना पड़ता है मनाली uh, आप लोगों को ऑलरेडी पीडीएफ शेयर हो गया है और अगर नहीं हुआ होगा तो आई एल मेक श्योर दैट इट बी पिंड इन द कॉमेंट सेक्शन टूडे तो आपको वो पीडीएफ मिल जाएगा पीडीएफ फॉर्म में आपको मिल जाएगा यस एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है टैक्सेस का मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और इस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट के अंडर कौन भरता है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू और डायरेक्ट टैक्सेस को संभालता है सीबीडीटी और इनडायरेक्ट टैक्सेस को संभालता है ठीक okay? yes, है फिर सी हमने कलेक्शन की बात देखी ओके okay, जब हमने कलेक्शन की बात देखी तो कलेक्ट कौन करने वाला है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी ओके यस ठीक है तो इतना यहां तक हमने कल पढ़ा है यस और नो यस और नो गाइस ओके तो बताओ यस yes, सब याद आ गया याद आ गया सब हंड्रेड परसेंट यस ओके बिल्कुल इसी तरीके से आपको क्वालिटी एजुकेशन इंपार्ट करने के लिए हमारा बस एक ही मोटो है टू मेक our स्टूडेंट्स टू गिव our students टू प्रोवाइड our, our students the बेस्ट एंड the इजीएस्ट एजुकेशन अभी इट्स अ स्मार्ट स्टडी की दुनिया हाँ या ना तो बिल्कुल आप लोगों को उसी प्रकार से इनोवेशन के तरीके से पढ़ाने के लिए ओके वी आर ऑल हियर एस अ पार्ट ऑफ द टीम ऑफ एम ईपीएल क्लासेस ओके यस और आप देख सकते हो दीज रैंकर्स आर अ प्रूफ ओके दीज रैंकर्स आर अ प्रूफ विच कैन टेल यू विच कैन यू नो गारंटी यू दैट येस यू आर एट द राइट प्लेस ये नो गाइज यस yes, तो क्या आप अपने आप को यहां पर देखना चाहते हो नो डू नॉट वेट आज से ही यू हैव टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन राइट फ्रॉम दिस मोमेंट यू अंडरस्टैंड यस इसके लिए आपको किसी इंफ्लुएंसर की या मोटिवेटर की जरूरत नहीं है आपको सिर्फ कॉमन सेंस की जरूरत है हाँ या ना हाँ या ना बड़ी यस इट इज योर ड्यूटी एंड इट इज योर एप यस It is your absolute duty कि आप जो भी रोज पढ़ते हैं उसका आपको क्या करना है कंपलसरी रात को रिवाइज करना ठीक है तो ऐसे ही इनोवेटिव तरीके से हम आपको पढ़ाने वाले हैं तो आपको यस yes, आपको कैसे पता चलेगा हमारे वीडियोस आएंगे नहीं आएंगे हम किस प्रकार का डिस्कशन कर रहे सो यस गाइस यस यस yes? तो आपको कैसे पता चलेगा कि हमारे कौन से वीडियोस आए हम मैम एमटीपी डिस्कस कर रही है आरटीपी डिस्कस कर रही है क्या डिस्कस कर रही है यस yes? तो इसके लिए यस यू हैव टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट व्हाट विल हैपन इज एज सून एज वी कम अप विद समथिंग न्यू फॉर यू यू विल बी द फर्स्ट वन टू एंजॉय इट ओके यस गाइज येस और बिल्कुल इसी तरीके से माइ सेल्फ चार्ट अकाउंटेंट एंड कंपनी सेक्रेटरी पीयूषा सारडा ठक्कर आई एम बिफोर यू ओके okay, यस yes, यहाँ पे सवाल पूछे जा रहे हैं कि मैम आप आईडीटी पढ़ाएंगे डीटी पढ़ाएंगे तो मैं आपको बता दूं मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट टैक्सेस पढ़ाने वाली हूं और कल कल जिनका कल कल का वीडियो जिनका जिनको मिला नहीं है उनका ओके okay, कल के वीडियो का लिंक पिन हो जाएगा कमेंट में और ये जो मैंने शेयर किया है रिसोर्स ओके okay, ये जो मैंने पूरा प्रेजेंटेशन बनाया है ये आपको पीडीएफ फॉर्म में इसी यस कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ओके यस मनाली खुशी ओके यस तो चलो यस लेट लेटिस गो अहेड अड्छ यस, yes. ओके, okay. तो अब आगे नहीं हार्ड कॉपी नहीं मिलेगा अरे ये एक पीडीएफ है इट्स पीडीएफ ऑफ थ्री टू फोर पेजेस ओके ये ये हार्ड कॉपी नहीं है ये हार्ड कॉपी नहीं मिलेगा इट्स जस्ट अ शॉर्ट पीडीएफ, बुक से रिलेटेड कोई भी इश्यू है तो प्लीज प्लीज आप टेक्निकल टीम से बात कर लीजिएगा एल ए का फुल फॉर्म है लोकल अथॉरिटी तो चलो अब आगे अब आगे अब आगे मैं आपको लेके जा रही हूं कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की तरफ वॉट आर दीज कैनन्स ऑफ टैक्सेशन कि ये जो टैक्स है ओके okay, ये जो टैक्स है इसको बनाने के लिए क्या इसके भी कुछ प्रिंसिपल्स की जरूरत है येस ऑन नो गाइस तो कैनन्स ऑफ टैक्सेशन तो एडम स्मिथ के जो कैन है उसी के बेस पे उसी प्रिंसिपल्स पे आधारित है हमारा पूरा की पूरा इनकम टैक्स एक्ट डू यू गेट इट गाइस तो इसके प्रिंसिपल्स क्या है सबसे पहली बात है कि कैन ऑफ इक्विटी इक्विटी का मतलब क्या है कम ऑन गाइज कैनन ऑफ इक्विटी इसका मतलब क्या है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन बट यहां पे गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रही हमसे टैक्स ले रही है तो व्हाट विल बी कैन ऑफ इक्विटी फ्रॉम इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू ऑन थिंग गाइस सोशल जस्टिस इंपार्ट करना मतलब फ्रॉम लोअर इनकम अर्निंग इंडिविजुअल्स आपने लोअर टैक्सेस लेना है और हायर इनकम अर्निंग से हाई टैक्स लेके यू हैव टू यूटिलाइज दैट मनी फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल ये सोनो गाइज Yes or no? Yes. So, canon of equity it is based on the principles of social justice. Getting it, guys? It is based on the principles of social justice. Now, this point is absolutely my favorite. Hai. Yes, yes, yes. Canons means principles. Yes. Horizontal and vertical equity. What does this mean, guys? Who will tell Horizontal and vertical equity. ओके द आंसर यस हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल इक्विटी बोलो बच्चो हॉरिजॉन्टल इक्विटी मतलब मेरे इनकम पे मैं जितना टैक्स पे कर रही हूं मेरे जितना ही किसी और का इनकम है तो उसने भी उतना ही टैक्स पे करना है कमान वन अगेन हॉरिजॉन्टल इक्विटी मैं जितना टैक्स पे कर रही हूं मेरे इनकम पे मेरे जितना इनकम अगर किसी और का होगा तो उसने भी उतना ही टैक्स पे करना है अंडरस्टैंडिंग गेटिंग इट देन व्हाट इज वर्टिकल इक्विटी मेरे से ज्यादा किसी का इनकम है तो ज्यादा टैक्स होना चाहिए मेरे से कम किसी का इनकम है तो कम टैक्स होना चाहिए गेटिंग एट ओके सो हॉरिजोंटल एंड वर्टिकल इक्विटी इज वन ऑफ द मेजर प्रिंसिपल ओके है ऐसा नहीं हो सकता मित्रों कल आके टैक्स पे कर लो ऐसा नहीं होने वाला डू यू अंडरस्टैंड ओके देर एस टू बी सर्टेनिटी किस प्रकार से टैक्स पे करना है कब टैक्स पे करना है कैसे टैक्स पे करना है ओके वेन हाउ हाउ मच देर टू बी सर्टेनिटी ओनली वेन देर इज सर्टेनिटी जब पिक्चर क्लियर होता है जब ट्रांसपेरेंसी होता है तभी ट्रस्ट कैन बी देर बिटवीन द टैक्स पेयर एंड द अथॉरिटी गाइस, कैन ऑफ कन्वीनियंस है ना यस कैन ऑफ कन्वीनियंस वी कन्वीनियंट इट शुड बी इजियर फोकस गाइज ध्यान किधर है इट शुड बी होना चाहिए पेयर के लिए टैक्स पे करना तभी वो आगे बढ़कर कॉम्प्लाई करने की कोशिश करेगा हाँ या ना? पहले टैक्स पे करने के लिए तो बताओ मुझे yes, क्या टैक्स पेयर विलिंगली आके टैक्स पे करेगा नहीं पे करेगा ओके एंड कैनन ऑफ इकोनॉमी ऐसा नहीं होना चाहिए ना वो क्या बोलते हैं की क्या बोलते हैं पता है आप लोगों को सबसे बेस्ट आमदनी अट्ठनी खर्चा रुपया समझ में आ रहा है यस yes, मतलब गवर्नमेंट को जो इनकम हो रहा है टैक्सेस के फॉर्म में उससे ज्यादा टैक्स कलेक्ट करने का खर्चा नहीं होना चाहिए देर हैजू बी प्रॉपर बैलेंस बिटवीन बोथ ओके यस ठीक है सो दिस इज ऑल अबाउट कैनन ऑफ क्सेशन अब चले आगे आई यू रेडी गाइज शाल वी गो हेड ओके नाउ हमने देखा कि जब हम टैक्स की बात करते हैं दिस टैक्सेशन इज डिवाइडेड इंटू थ्री स्टेजेस मनाली आपको नोट डाउन करने का समय दिया जाएगा अभी आप सिर्फ फोकस करो लेट एस जस्ट अंडरस्टैंड द नाइसली और फिर आपको लिखने का भी टाइम दिया जाएगा एट द एंड ऑफ द सेशन आई विल मेक ईच एंड एवरीथिंग राइट फ्रॉम यू आपको नो no, कोई कंफ्यूजन का बात ही नहीं है चले आगे गाइस ओके सो हम कहा थे वर्ल्ड ऑफ टैक्स 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 इज डिवाइडेड इन थ्री ब्रॉड स्टेजेस एक लेवी एक असेसमेंट और एक कलेक्शन फिर हमने देखा है कि लेवी होना चाहिए सबसे पहले आपके ऊपर क्या होना चाहिए लेवी होना चाहिए वो ट्रिगर पॉइंट ट्रिगर होना चाहिए तभी आपको टैक्स पे करना पड़ेगा राइट right? ओके okay. तो लेवी अपने ऊपर किया है यस बाय विच आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कमान आर्टिकल 245 फोर्टी फाइव 246 एंड 265 और थ्री शेड्यूल थ्री लिस्ट है बराबर है लिस्ट वन लिस्ट टू एंड लिस्ट थ्री तो चलो अब देखते हैं एवरीथिंग वन बाय वन आर्टिकल 245 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूरा ध्यान से गाइस आर्टिकल 245 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको क्या बताता है हमने तो देख लिया कि लॉ बनाएगा पार्लियामेंट लॉ बनाएगा स्टेट लेजिस्लेचर मतलब देर आर टू पार्टीज मेकिंग यस और नो यस और नो देर आर टू पार्टीज मेकिंग लॉस इंडिया इज ऑलरेडी अ फेडरल स्ट्रक्चर देर इज ऑलरेडी अ कंफ्यूजन बिटवीन दिल्ली का तक एंड हर स्टेट्स का गवर्नमेंट यस और नो यस और नो तो अब जब दो पार्टीज लॉ बनाने वाली है एक पार्लियामेंट एक स्टेट लेजिस्लेचर तो क्या क्लैरिटी होना चाहिए क्या कि इसने जो लॉ बनाया है वो कहां तक एप्लीकेबल होगा और इसने जो लॉ बनाया है वो कहां तक एप्लीकेबल होगा नो ये नो तो ये एक्सटेंट तो ये एक्सटेंट गाइस यस द एक्सटेंट कि जो लॉ बनाए हैं जो लॉ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर ने बनाए हैं इनका एक्सटेंट क्या होगा वो किस हद तक एप्लीकेबल होंगे कमॉन सो आर्टिकल 245 क्या बोलता है

ओके यस लॉज मेड बाय पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर इनका एक्सटेंड तो क्या आर्टिकल 245 किसके बारे में बात करता है एक्सटेंड एक्सटेंड ऑफ व्हाट लॉज मेड लॉज मेड बाय हु पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर ठीक है ठीक है ये यहां तक तो बहुत सिंपल था अब आगे अब आगे चलो आते हैं आर्टिकल पे आर्टिकल क्या बोलता है सब्जेक्ट टू प्रोविजन इन कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट मेक मेंॉस एंड लेजिस्लेटिव ऑफ स्टेट मेक मेंॉस इसका मतलब क्या है यस yes, में इस शब्द का मतलब क्या है यस एक्सटेंट मीन्स स्कोप यस बोलो बच्चों उनको अगर ठीक लगा कि इस मसले को हल करने के लिए लॉ चाहिए ही तो वो लॉ बनाएंगे हर मैटर पे लॉ बनाना मैंडेटरी है क्या वेरी इंपॉर्टेंट का इस ध्यान से हर मैटर पे लॉ बनाना मैंडेटरी है क्या नहीं इट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल एंड इट शुड नॉट बी डन आल्सो बराबर है कि नहीं यस yes, यस yes. इसीलिए क्या बोला है मे मेक लॉस उनको अगर जरूरत लगे तो वो लॉ बनाएंगे और जो लॉ वो बनाएंगे वो आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा ओके okay, अब आगे मेक और होल और पार्ट ऑफ इंडिया और होल और पार्ट ऑफ स्टेट इसका मतलब क्या है यस होल और पार्ट ऐसा क्यों मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ ओके okay? मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ मानो मानो कि महाराष्ट्र के एक हिस्से में महाराष्ट्र पूरा स्टेट है पूरा इंडिया है ओके okay, इंडिया के अंदर महाराष्ट्र है महाराष्ट्र के अंदर कई सारे सिटीज है ओके okay? एक सिटी में ध्यान से गाइस एक सिटी में क्या हो गए राइट्स छिड़ गए ओके यस लोग बसों को जलाने लगे ओके okay? यस yes, और एक दूसरे पे पत्थर फेंकने लगे एक्सेट्रा 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 राइट स्टार्ट हो गई अब मुझे एक बात बताओ अब मुझे एक बात बताओ गवर्नमेंट को यह एहसास हो गया कि जी हाँ जी हाँ जी हाँ हमें क्या करना पड़ेगा उस एरिया में कर्फ्यू लगाना ही पड़ेगा ध्यान से सुनना उस एरिया में कर्फ्यू लगाना ही पड़ेगा फिर पार्लियामेंट अगर सपोज स्टेट लेजिस्लेचर अगर बोलता है कि महाराष्ट्र के इस हिस्से में अगर सपोज इस शब्द का अर्थ क्या है कि महाराष्ट्र का जो गवर्नमेंट है उनको जरूरत लगी है तो वो सिर्फ उस स्टेट में उस सिटी में कर्फ्यू लगा सकते हैं ऐसा नहीं है कि उन्होंने लॉ बना दिया कि पूरे महाराष्ट्र में कर्फ्यू हो जाएगा समझ में आ रहा है इसीलिए वर्ड्स क्या है होल और पार्ट ऑफ स्टेट जहां पे उनको जरूरत पड़ेगी वहां पे उसको वो लागू करेंगे डू यू अंडरस्टैंड डू यू अंडरस्टैंड इसीलिए वर्ड्स क्या है देखो लॉ बनाने वाले की ब्यूटी सोचो क्या क्या चीजें सोच के उन्होंने लॉ बनाया है। बराबर है ना सिर्फ यहाँ पे वर्ड होता होल ऑफ स्टेट तो भले ही एक छोटे से हिस्से में कर्फ्यू हुआ है पूरा की पूरा स्टेट में कर्फ्यू लग जाता पूरे स्टेट में कर्फ्यू लग जाता तो उसका इफेक्ट क्या होता ठीक है ना आप सोचते हो कर्फ्यू तो कर्फ्यू लोग घर पे बैठते हैं उसका इफेक्ट क्या होता है इकोनॉमी अफेक्ट होती है इकोनॉमी अफेक्ट होती गाइस आप लोगों को पता है ना कि अगर ये सोशल मीडिया सोशल मीडिया की बात कर रही करी अगर सोशल मीडिया थोड़े दिन देर के लिए डाउन टाइम हो जाए इज डाउन टाइम आपने देखा होगा ना बीच में व्हाट्सएप का सर्वर आ, आ, डाउन था इंस्टाग्राम का सर्वर डाउन था तो कितने नुकसान हुआ था हजारों का करोड़ों का हा या ना हजार करोड़ों करा तो या ना तो सोचो कि अगर ऐसा हो जाए अगर ऐसा पूरा महाराष्ट्र में वो कर्फ्यू इंफ्यूरिएट कर, कर दे तो पूरे देश में उसका इंपैक्ट क्या होगा इन नेगेटिव वे होगा बराबर है ना इसलिए उन्होंने यहां पे शब्द डाला है होल और पार्ट ऑफ स्टेट ओके सो पार्लियामेंट जो लॉ बनाएगी वो होल या पार्ट ऑफ इंडिया में एप्लीकेबल होगा और स्टेट लेजिस्लेचर जो लॉ बनाएगी वो होल या पार्ट ऑफ स्टेट में एप्लीकेबल होगा यस अंडरस्टैंडिंग गाइस ओके यस तो यहाँ पे मेजर दो टर्मिनोलॉजीज की बात उन्होंने करी है एक तो मे जहां पे पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर का लॉ बनाने के लिए इट इज ऑप्शनल इट इज ऑप्शनल इट इज ऑप्शनल एन होल और पार्ट मतलब पार्ट एप्लीकेबिलिटी ऑफ लॉस इज ऑल्सो पॉसिबल या या ना हाँ या ना ठीक है अब अब बच्चे बोलते हैं कि मैम आपने ये तो बोल दिया कि पार्लियामेंट ने बनाया हुआ लॉ कहां पे एप्लीकेबल होगा स्टेट लेजिस्लेचर ने बनाया हुआ लॉ कहां पे एप्लीकेबल होगा पर ये तो बताइए कि पार्लियामेंट किस पे लॉ बनाएगा और स्टेट लेजिस्लेचर किस पे लॉ बनाएगा पार्लियामेंट किस पे लॉ बनाएगा एंड स्टेट लेजिस्लेचर किस पे लॉ बनाएगा मतलब सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉस टू बी मेड बाय पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर ये सोनो यस ऑनो गाइज और ये हमको बताया गया है आर्टिकल 246 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में गेटिंग इट तो आर्टिकल 245 हमको हद बताता है कि जिसने जो लॉ बनाया वो कहाँ पे एप्लीकेबल होगा यस yes. एंड आर्टिकल 246 क्या बताता है कि जो लॉ बनाया गया है ओके okay, उसका मतलब कौन किस पे लॉ बनाएगा व्हाट वुड बी द सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉज टू बी मेड बाय पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर गेटिंग इट ओके यस अब अब कौन किस पे लॉ बनाएगा ओके okay, आर्टिकल 246 वर्क्स इन कनेक्शन विद शेड्यूल 7 शेड्यूल 7 शेड्यूल 7 में तीन लिस्ट्स है लिस्ट वन, लिस्ट टू एंड लिस्ट थ्री. लिस्ट वन, लिस्ट वन क्या बोलता है यस यूनियन लिस्ट मतलब क्या लिस्ट वन मतलब लिस्ट वन कौन सी है यूनियन लिस्ट लिस्ट टू स्टेट लिस्ट लिस्ट थ्री लिस्ट अब नाम में लिखा यूनियन यूनियन मतलब कौन है वो यूनियन टेरिटरी वाला यूनियन टेरिटरी इज डिफरेंट यहाँ पे दे आर रेफरिंग टू यूनियन मीन दे आर रेफरिंग टू द सेंटर दिल्ली का तख्त समझ में आ रहा है ओके सो ये आर रेफरिंग टू ओके ये क्या है व्हाट इज इंडिया व्हाट इज नॉट ये सब कुछ हम बताएंगे यूनियन टेरिटरी क्या है सब कुछ देखेंगे इट इज अ पार्ट ऑफ इंडिया बट यहाँ पे यूनियन मतलब वो किसको रेफर कर रहे हैं गाइस यस सेंटर को रेफर कर रहे हैं पूरे नेशन को रेफर कर रहे हैं बिल्कुल हाँ बिल्कुल हाँ डू यू गेट इट एवरी ओके यस सो जब हम यूनियन लिस्ट की बात करते हैं गाइज जब हम यूनियन लिस्ट की बात करते हैं तो मुझे बताओ लॉस कौन बनाएगा अच्छा। बराबर है यस और इसको एग्जीक्यूट कौन करेगा पार्लियामेंट नहीं एग्जीक्यूटिव ऑर्गन कौन है करेक्ट है करेक्ट है मतलब लिस्ट वन में जो भी मैटर्स लिखे गए हैं उसके ऊपर लॉ बनाएगा पार्लिमेंट और उसको एनफोर्स करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट लिस्ट टू स्टेट लिस्ट कौन लॉज बनाएगा एग्जीक्यूट कौन करेगा लिस्ट टू में जो भी मैटर्स लिखे गए हैं उस पर स्टेट लॉ बनाएगा मतलब इन शॉर्ट क्या कहना है लिस्ट वन में जो भी टैक्सेस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी हाँ या ना ओके okay, और लिस्ट टू में जो टैक्सेस है वो कौन कलेक्ट करेगी स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी क्लियर हंड्रेड 100% एवरीवन अब कॉन्करेंट 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 का मतलब क्या है दोनों एक दूसरे के साथ तो लॉस कौन बनाएगा यहाँ पे पार्लियामेंट प्लस स्टेट लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूट कौन करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट क्लियर एवरीवन क्लियर एवरीवन आप देखो कौन से कौन से मैटर्स है लिस्ट 1 में कौन से मैटर्स है देखते हैं चलो कुछ एग्जांपल्स मैंने आपके लिए लिए हैं यूनियन लिस्ट में ओके यूनियन लिस्ट में क्या मेंशंट है बैंक क्या मेंशंट है बैंक है देन डिफेंस देन रेलवे ट्रेड देखो क्या ये सारे की सारे मैटर्स क्या ये सारे के सारे मैटर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक मैटर्स है क्या देश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो बैंक्स है डिफेंस है रेलवेज है फॉरेन ट्रेड है ये सब कुछ पार्लियामेंट एंड स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में दे दिया है लिस्ट वन में मेंशन कर दिया है क्लियर यस एंड जब हम लिस्ट टू की बात करते हैं तो सबसे पहला मैटर क्या आना चाहिए हिंट दू हिंट यस एक हिंट देती हूँ आपको गेस करना है लॉकडाउन के बाद कौन सा बिजनेस सबसे पहले खुला था लेकर क्यों क्यों इतनी लंबी लंबी लाइनें तो भाई ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए भी नहीं थी हाया ना हाया ना स्टेट गवर्नमेंट क्यों लेता है क्योंकि वो स्टेट लिस्ट में समझ में आ रहा है एवरी वन ओके यस यस सो सो एग्रीकल्चर है पुलिस है प्रिजन है लिकर है इसको कौन मैंडेट करता है स्टेट गवर्नमेंट समझ में आ रहा है ओके ठीक है और जब हम लिस्ट थ्री की बात करते हैं पे मिल-बांट के दोनों को संभालना है तो वो है एजुकेशन ट्रेड यूनियन एंड वेरियस अदर लॉस गेटिंग इट एवरी वन ओके यस तो अब हमने आर्टिकल 245 देख लिया गाइस ध्यान से सी कैसे एक दूसरे से लिंक्ड है आर्टिकल 245 बताता है हद हद बताता है कि भाई जो लॉ पार्लियामेंट बनाएगी जो लॉ स्टेट लेजिस्लेचर बनाएगी वो किस हद तक एप्लीकेबल होगा फिर आर्टिकल 246 फोर्टी सिक्स अलॉन्ग 7 थ्री लिस्ट क्या बताता है सब्जेक्ट मैटर स्टेट किस पे लॉ बनाएगा पार्लियामेंट किस पे लॉ बनाएगा हयाना आर्टिकल 265 क्या बोलता है बहुत ध्यान से सुनना आर्टिकल 265 क्या बोलता है बहुत ध्यान से सुनना बच्चों आर्टिकल 265 बोलता है आर्टिकल 246 ने तो तुमको टैक्स कलेक्ट करने का पावर दिया है बराबर है ना अगर लिस्ट वन में मेंशन है तो सेंट्रल गवर्नमेंट वो टैक्स लेगा अगर लिस्ट टू में मेंशन है तो स्टेट गवर्नमेंट वो टैक्स लेगा हाँ या ना पर वो बकायदा टैक्स लेने वाला कौन होगा इसका मतलब क्या है यस मित्रों अब आपके ऊपर जीएसटी लागू किया जाएगा यस yes, यस yes, इस देश में हम वन नेशन वन टैक्स लेके आएंगे यस yes, हमारे नरेंद्र मोदी जी ने बोल दिया तो क्या हर किसी हर किसी घर का दरवाजा खटखटा के जीएसटी कलेक्ट करने के लिए नरेंद्र मोदी आएंगे क्या नहीं नहीं तो यहां पे तो यहां पे इनका क्या कहना है कि आर्टिकल 246 ने बोल दिया कि तुम टैक्स कलेक्ट करो बराबर है ना तो ये ठीक है हम मोटा मोटी समझ गए कि इस पे पार्लियामेंट लॉ बनाएगी कि स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा कि स्टेट गवर्नमेंट लेगा ये हम समझ गए ये टैक्स कौन कलेक्ट करेगा ये भी हम समझ गए पर इस बहुत ध्यान से सुनना का इस सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को सिर्फ एक ही काम नहीं है टैक्स कलेक्ट करना उनके पास कई सारे काम हैं। तो सबसे पहले आप इस सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर एक प्रॉपर बॉडी बनाओ एक प्रॉपर अथॉरिटी बनाओ और ये अथॉरिटी ही हमारे ऊपर लेवी करेगा और हमारे हमसे टैक्स कलेक्ट करेगा नो अथॉरिटी नो टैक्स समझ में आया गेटिंग वन ओके यस आप घर पे लेट आ जाओ ओके okay? यस yes, आपके बेस्ट फ्रेंड की मम्मी है इफ टू मम्मी बट क्या वो आपको कान पकड़ के एक मस्त अच्छा सा सी समझने की कोशिश करो कैन कैन शी पनिश यू फॉर कमिंग लेट टेल मी बट आई अट्स योर मदर कैन हा या ना सेम वेबल टू योर फ्रेंड चाहे दिन रात दिन में एक ना एक दूसरे के घर पे क्यों ना हो पर क्या वो थप्पड़ मार सकती है क्या आपके दोस्त को नहीं मार सकते बोलने का मतलब क्या है बोलने का मतलब क्या है यस yes, लॉ बनाने की पावर दी है भाई पर थप्पड़ मारने की पावर जिसको दी है उसने ही मारना है समझ में आया गेटिंग इट एवरी वन जिसको अथॉरिटी दी गई है टैक्स कलेक्ट करने की वो ही हमसे आके पूछे और हमसे आके टैक्स कलेक्ट करे क्लियर एवरीबडी क्लियर एवरीबडी यस ओके तो आर्टिकल टू सिक्सटी फाइव क्या बोलता है अब पढ़ते हैं नो no टैक्स ध्यान से सुनना नो टैक्स कैन बी लेवीड और कलेक्टेड एक्सेप्ट 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 बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ मतलब मतलब समझो गाइस बहुत इंटरेस्टिंग है उनका क्या कहना है सबसे पहले टैक्स कलेक्ट करने के लिए सबसे पहले तो लॉ होना चाहिए और उस लॉ के अंदर एक अथॉरिटी होनी चाहिए जिसको टैक्स कलेक्ट करने का पावर है समझ में आ रहा है ओके और ये अथॉरिटी क्या करेगी लेवी भी करेगी और आपसे टैक्स हंड्रेड yes? पक्का, चले आगे ओके ठीक है सो अथॉरिटी होना चाहिए लॉ होना चाहिए वही लेवी और कलेक्ट कर सकते हैं ठीक है अब मुझे एक बात बताओ अब मुझे एक बात, बात बताओ कहीं पर भी आपके सब्जेक्ट में अब आप आपको तो पता है कि हमको डायरेक्ट टैक्सेस पढ़ना है मतलब इनकम टैक्स एक्ट 1961 पढ़ना है फिर सब्जेक्ट का नाम इनकम टैक्स एक्ट 1961 क्यों नहीं है एग्जैक्टली exactly, एग्जैक्टली exactly. जब हम एक्ट की बात करते हैं गाइस जब हम एक्ट की बात करते हैं तो वो एक्ट सीमित नजरिए पे काम करता है हा या ना, हा या ना, बट उस act से रिलेटेड कई सारी चीजें होती है कई बार सर्कुलर इशू किया जाता है नोटिफिकेशन इशू किया जाता है हा या ना सर्क्यूलर इशू किया गया है नोटिफिकेशन इशू किया गया है ओके यस फिर इतना ही नहीं इतना ही नहीं केस स्टडीज केस स्टडीज ओके केस स्टडीज नहीं, कोर्ट स्टडीज़, सॉरी कोर्ट केसेस यस कोर्ट केसेस इसका मतलब क्या है आपने कोई बदमाशी करी, आपने कोई बदमाशी करी और आपका केस हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट पास किया सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट पास किया तो मुझे बताओ बच्चों क्या वो जजमेंट आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा इसीलिए उनका क्या कहना है कि एक टैक्स लॉ को पढ़ना इसका मतलब यह नहीं है यस yes, एक टैक्स लॉ को पढ़ना इसका मतलब यह नहीं है कि हमें सिर्फ एक्ट पढ़ना है इस एक्ट के साथ साथ हमें क्या पढ़ना है रूल्स नोटिफिकेशंस सर्कुलर्स केस लॉज ओके okay? अब इन सारे कंपोनेंट्स को वन बाय वन समझते हैं एंड देन वी शैल एंटर टू द इनकम टैक्स एक्ट 1961 अंडरस्टैंडिंग ओके यस द रिस्पेक्टिव एक्ट रिस्पेक्टिव एक्ट मतलब हम क्या पढ़ने वाले हैं यहां पे इनकम टैक्स एक्ट 1961 जहां पे प्रोविजंस ऑफ लॉ बताए गए हैं क्या बताया गया है प्रोविजंस ऑफ लॉ बताया गया है एंड देन वी हैव रूल्स अब एक्ट ने तो बोल दिया कि आपको रिटर्न फाइल करना है ड्यू डेट पे ओके okay? पर ये कैसे फाइल करना है ये फाइल करने के लिए कहां पे जाना पड़ेगा ओके okay? यस yes, क्या प्रोसीजर है ये बताया जाता है रूल्स में कमॉन गाइज ये बताया जाता है रूल्स में मतलब एक्ट हमको प्रोविजन ऑफ लॉ देती है और रूल्स हमें क्या देता है उन प्रोविजन को आपको पूरा कैसे करना है ये कौन बताता है रूल्स बताता है एवरीबॉडी गेटिंग इट एवरीवन Yes. So, act contains what guys एक्ट कंटेन्स provisions ऑफ लॉ एंड rules मतलब क्या इन प्रोविजंस को पूरा कैसे करना है इम्प्लीमेंट कैसे करना है ये हमको रूल्स में बताया जाता है फिर आता है नोटिफिकेशंस एंड सर्कुलर्स। नोटिफिकेशंस का मतलब क्या है अब नोटिफिकेशंस, देखो ना किसी ने इंस्टाग्राम पे अपना डीपी चेंज कर दिया तो आपके मोबाइल में क्या आता है क्या आता है क्या आता है आवाज नहीं आया नोटिफिकेशन हा या ना मतलब मतलब समझने की कोशिश करो मतलब इफ एनी चेंजेस ऑकर हा या इफ एनी चेंजेस ऑकर दीज चेंजेस आर नोटिफाइड टू यू बिल्कुल इसी तरीके से अगर लॉ में कुछ चेंजेस है तो वो अगर आपको कम्युनिकेट करना है तो वो किया जाता है वाया नोटिफिकेशन गेटिंग इट एवरीबॉडी गेटिंग इट हंड्रेड परसेंट ओके यस सो नोटिफिकेशन आर वे ऑफ कम्युनिकेशन इन केस ऑफ चेंजेस इन एनी एक्ट और इन एनी रूल्स समझ में आ रहा है देन सर्कुलर्स इज द मीनिंग ऑफ सर्कुलर्स काइज जाते हैं एंड देन यस सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजमेंट को भी हमको रेफर करना पड़ता है इन सब का क्यूमुलेटिव इफेक्ट मतलब टैक्स समझ में आया एवरीबडी इन सब का क्यूमुलेटिव इफेक्ट मतलब टैक्स को पढ़ना सो so, टैक्स में पढ़ने के लिए हमें एक्ट पढ़ना पड़ेगा फिर हमें रूल रेगुलेशन नोटिफिकेशन सर्कुलर्स एंड वेरियस डिफरेंट केसेस यस जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट भी पढ़ना पड़ेगा गेटिंग इट एवरी वन यस ओके ठीक है अब हम चलते हैं आगे यस, yes. सो so, हम क्या पढ़ रहेगा इस वी आर क्रिएटिंग द एंटायर बैकग्राउंड ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, सिक्सटी जहां पे हमने यस yes. 1961 आज भी कैसे लागू है विद द हेल्प ऑफ बजट वो देखा एक्ट कैसे बनता है वो देखा टैक्स का मतलब क्या है वो देखा टैक्स के अलग अलग प्रकार देखे टैक्स का लेवी स्टेज असेसमेंट स्टेज कलेक्शन स्टेज देखा ओके okay? अब हम आगे चल रहे हैं टूवर्ड्स द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट पार्ट गाइज यस अंडरस्टैंडिंग द वर्ड इनकम अंडरस्टैंडिंग वर्ड इनकम और इनकम इस वर्ड को समझने के लिए गाइस एवरीबॉडी इनकम इस वर्ड को समझने के लिए थोड़ा सा मदद लेंगे इनकम टैक्स एक्ट 1961 की. अब, 1961 क्या बोलता है? अब इतने सारे सेक्शन है बराबर से से है ना लेट बी सिंपल 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 एग्जाम्पल आपने नए क्लासेस ज्वाइन क्लासेस ज्वाइन किए तो सबसे पहले आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको पता चले कि कौन से कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे बराबर है कौन कौन इन सब्जेक्ट्स को पढ़ाएगा किस टाइम पे क्लासेस कंडक्ट होंगी या नथिंग बट अ टाइम टाइम टेबल और प्लान ऑफ द एंटायर कोर्स ऑफ योर क्लासेस या ना बिल्कुल उसी तरीके से बिल्कुल उसी तरीके से ए, okay, एक सेक्शन होता है गाइस बिल्कुल उसी तरीके से इनकम टैक्स में भी एक सेक्शन है जो बोलता है किसको इनकम टैक्स पे करना है किस पे इनकम टैक्स पे करना है कैसे पे करना है कब पे करना है ओके okay? और इसको कहा जाता है गाइस चार्जिंग सेक्शन क्या कहा जाता है गाइस चार्जिंग सेक्शन एवरीवन क्या कहा जाता है चार्जिंग सेक्शन सो चार्जिंग सेक्शन मतलब एक चिट्ठा है क्या है एक चिट्ठा है एक डिटेल प्लान है कि ये जो इनकम टैक्स एक्ट है ये किस पे एप्लीकेबल होगा किसको पे करना पड़ेगा कब पे करना पड़ेगा ओके okay? यस yes, तो बताओ व्हाट इज द चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट आवाज नहीं आया वंस अगेन नींद में भी कोई पूछे तो आपको पता होना चाहिए ओके okay? फिर आप सोचते होंगे मैम हमने डायरेक्टली सेक्शन फोर स्टार्ट कर दिया बीच के सेक्शन का क्या हुआ यस yes? तो सेक्शन वन गाइस एक्चुअली क्या होता है इट स्पीक्स अबाउट शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट करेक्ट हाया ना हायाना कि ये जो एक्ट है ये किस नाम से जाना जाएगा हाया ना ये किस नाम से जाना जाएगा तो इससे मुझे कुछ तो याद आया हम सेक्शन लिखते वक्त कैसे लिखते हैं एस ई -E सी समझ में आ रहा है एवरीबॉडी यस yes, कि ये सेक्शन का ए सी सी एक्चुअली आया कहां से समझ में आ रहा है शॉर्ट

ओके okay, यस yes, तो चलो तो चलो अब मुझे एक बात बताओ यस yes, अब मुझे एक बात बताओ आपको पता है आ, ये एक्सटेंट पहले बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था बिफोर आर्ट व्हेन आर्टिकल थ्री सेवनटी प्रेजेंट मैम ये क्या बात कर रहे हो आप आर्टिकल थ्री सेवेंटी क्या होता है सुना है कुछ कुछ हल्ला हो गया था पूरे देश में यस yes? यस यस इज थ्री सेवेंटी कौन बताएगा गाइस यस इज आर्टिकल थ्री सेवेंटी नहीं यस वेरी इंपॉर्टेंट वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड आर्टिकल थ्री सेवेंटी बहुत ध्यान से सुनना गाइस जम्मू एंड कश्मीर में जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नमेंट को एक राइट था कि आपको अगर लगे तो उस लॉ को आप एप्लीकेबल करो आपके जम्मू एंड कश्मीर में मतलब जो लॉ इंडिया में पास होगा वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा है बट वो जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि हमको ये लॉ जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल करना है या नहीं करना इसलिए आपने देखा होगा कितने सारे लॉस एप्लीकेबल एवरी ऑल इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर यस ऑल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर पढ़ा है ऐसा यस ये क्यों बिकॉज ऑफ आर्टिकल थ्री सेवनटी समझ में आ रहा है एवरीबॉडी समझ में आ रहा है अब क्या हुआ अब आर्टिकल थ्री सेवनटी को हटा दिया आर्टिकल थ्री सेवेंटी को हटा दिया मतलब अब जम्मू एंड कश्मीर को के गवर्नमेंट को राइट right नहीं है कि वो डिसाइड करे की उनको कौन सा लॉ एप्लीकेबल करना है और कौन सा नहीं जो बाकी के इंडिया को एप्लीकेबल है वही उनको भी एप्लीकेबल है समझ में आ रहा है यस yes, तो पहले एक्सटेंड का बहुत हद से ज्यादा इंपॉर्टेंस हुआ करता था क्योंकि यह समझना जरूरी था कि क्या जम्मू एंड कश्मीर को यह एक्ट एप्लीकेबल होगा नहीं होगा समझ में आ रहा है एवरीबॉडी यस ओके ठीक है तो अब कम ऑन लेट्स कम बैक टू चार्जिंग सेक्शन बताओ द चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन फोर क्या बोलता है सेक्शन फोर क्या बोलता है गाइस सेक्शन फोर कहता है कि सुनो एवरी पर्सन क्या बोला है एवरी पर्सन तो यहां पे अपने को सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो अपने को पढ़ना है वो मिल गया कौन सा है पर्सन कौन सा फर्स्ट कॉन्सेप्ट है पर्सन मतलब अब हमको समझना पड़ेगा कि ये पर्सन मतलब क्या सो so, पहला कॉन्सेप्ट जो हमको पढ़ना है कि हु इज पर्सन इन द आईज ऑफ इनकम टैक्स एक्ट हया ना क्योंकि बोला है ना उन्होंने चार्जिंग सेक्शन में बोल दिया कि भाई इनकम टैक्स करेगा एवरी पर्सन पे करेगा तो यह पर्सन कौन होगा यह भी तो समझना जरूरी है समझना जरूरी है कि नहीं अब एवरी पर्सन हेज टू पे इनकम टैक्स ओके ठीक है एवरी पर्सन अब आगे क्या बोला है Is is an is an assessee, assessee. तो अब मुझे और एक कॉन्सेप्ट मिल गया कि assessi. बराबर है ना अब मुझे समझना पड़ेगा कि इनकम टैक्स एक्ट बोलता है एवरी पर्सन चार्जिंग सेक्शन में ही बोल दिया एवरी पर्सन तो अब पर्सन मतलब क्या समझना जरूरी है ना भाई हा या ना हा या ना तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो हमको पढ़ना है आगे वो है कि पर्सन का मतलब क्या है इस पर्सन को जैसे कि आपको पता है टेक्निकल जार्गन्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं या ना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेक्निकल जार्गन जार्गन्स नहीं पता सुना है कि नहीं इस वर्ड को जब आप किसी सब्जेक्ट में टेक्निकल वर्ड यूज करते हो उस टेक्निकल वर्ड को क्या बोला जाता है जार्गन बोला जाता है। मतलब हर किसी सब्जेक्ट के जो टेक्निकल वर्ड्स होते हैं पता है ना देखो आप जब आ, कोई भी थियोरी पेपर लिखते हो तो सबसे बड़ा सवाल आपके मन में क्या होता है आपके मन में क्या होता है कि मैम हम ओन लैंग्वेज में लिख सकते हैं है या ना, है या ना? फिर ओन लैंग्वेज में लिखता है कि, लिखना है कि नहीं ये लिख सकते हैं कि नहीं ये आपके मन में सवाल होता है फिर आप टीचर के पास जाते हो ओके बहुत कॉमन आंसर है ये फिर वो टीचर बोलती है हाँ आप ओन वर्ड्स में लिख सकते हो पर जो भी टेक्निकल वर्ड्स है ना उस सब्जेक्ट के वो आपको लिखने पड़ेंगे आंसर पेपर में हायाना हायाना गुड मॉर्निंग हायाना तो उन टेक्निकल वर्ड्स को कहा जाता है टेक्निकल जार्गन्स क्या कहा जाता है टेक्निकल जार्गन्स वैसे ही वैसे ही गाइस इनकम टैक्स एक्ट में इनकम टैक्स एक्ट में भी कुछ टेक्निकल जारगंस यूज करते हैं और इस पर्सन को पर्सन कहा नहीं जाता असेसी कहा जाता है क्या कहा जाता है असेसी कहा जाता है तो सेकेंड कॉन्सेप्ट जिसके डिटेल में हमको जाना है सी हमको चार्जिंग सेक्शन का पोस्टमार्टम करना है चार्जिंग सेक्शन को समझ पाएंगे तभी तो हम पूरा इनकम टैक्स एक्ट समझ पाएंगे यस 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 ओके बिफोर आई ओकेट टू टेल यू कल के सेशन में ओके okay, आज ही कैलकुलेटर्स लाए होंगे तो बहुत ही बढ़िया है नहीं लाए होंगे तो कल के सेशन में विदाउट कैलकुलेटर्स यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड सेशंस प्रॉपरली गेटिंग ओके सो यू हैव अभी जरूरत नहीं है मैं बस रिमाइंड कर रही हूं कि कहीं ऐसा ना हो जाए मुझसे बोलना रह जाए ओके गेटिंग इट गाइस ओके कमान 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 एवरी बाडी तो एवरी पर्सन इज एन इज एन इज एन तो नेक्स्ट जार्गन जो हमको समझना है वो है असैसी वो है अस so, पहला कॉन्सेप्ट हम समझेंगे पर्सन मतलब क्या फिर हम समझेंगे मतलब क्या अब आगे एवरी पर्सन इज एन अ ओके okay, अब अब एवरी पर्सन इज एन एस ये समझ गए एवरी पर्सन एस मतलब एवरी पर्सन एस पे इनकम टैक्स बट किस पे इनकम टैक्स पे किस पे इनकम टैक्स पे करना है हुज टोटल इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर ध्यान से एक एक चीज को ठीक से समझते हैं एवरी पर्सन ज एन एस एस इसी के पास क्या होना चाहिए इस असेसी के पास इनकम होना चाहिए क्या होना चाहिए इनकम होना चाहिए मतलब इनकम मतलब क्या ये भी तो समझना जरूरी है इनकम टैक्स में हाँ या ना पर उन्होंने कहीं पे सिर्फ इनकम नहीं बोला टोटल इनकम बोला है क्या बोला है टोटल इनकम तो अब हमको समझना पड़ेगा कि टोटल इनकम मतलब क्या हायाना बाड़ी ऐसा नो

क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा टोटल इनकम पहले अब टोटल इनकम अब मेरा टोटल इनकम मतलब मेरे दिमाग में सवाल आया अब मुझे इतने साल हो गए पैदा होके तो मुझे सारा आज तक का इनकम लेना है क्या तो उनका क्या कहना है प्रीवियस ईयर का इनकम लेना है कौन से ईयर का गेटिंग इट एवरी वन तो अब हमारे पास अगला कॉन्सेप्ट आ गया क्या है अपना अगला कॉन्सेप्ट कि प्रीवियस ईयर प्रीवियस ईयर का मतलब क्या है समझ में आया और इस प्रीवियस ईयर पे ही आधारित और एक कॉन्सेप्ट है वो है असेसमेंट ईयर का समझ में आ रहा है ओके सो एवरी पर्सन इज एन हुज टोटल इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर जिसके पास जो पर्सन है जिसके पास इनकम है उस इनकम का हम टोटल इनकम निकालेंगे बट रुको 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 वो इनकम कौन से साल का कौन से साल का मतलब अपना प्रीवियस ईयर अपने दिमाग में आंखों के सामने हमेशा होना चाहिए हमें देखना है कि वो इनकम कौन से साल में आया जो इनकम प्रीवियस ईयर में आया है उसी पे हमको फिलहाल काम करना है उसी को हमें इनकम ट्रीट करके टैक्स लेना है हाँ या ना एवरीबॉडी सो एवरी पर्सन प्रीवियस ईयर एक्सीड्स मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू इनकम टैक्स अब समझो अब समझो हम गुजारा करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए इनकम होगा अब ऐसे तो कोई बैठेगा नहीं हर कोई अब हर कोई इनकम ऑन करने की कोशिश करेगा ही हाँ या ना हा या ना अब अब ध्यान अब से अगर हर इंसान हर प्रकार का इनकम ऑन कर रहा है और बोल रहे टैक्स पे करो ओके तो कोई कोई बेसिक नेसेसिटीज नाम की भी तो चीज होती है बराबर है कि नहीं एक बेसिक लाइफ जीने के लिए भी तो पैसा लगता है तो गवर्नमेंट क्या बोलता है इनकम टैक्स एक्ट क्या बोलता है कोई बात नहीं पर्सन कोई बात नहीं एसएससी हमें हम आपको कुछ इनकम आपके हाथ में दे देंगे जिसके ऊपर हमको टैक्स नहीं चाहिए ध्यान से सुनना आपके गुजारे के लिए आपके गुजारे के लिए हम आपको कुछ ऐसा इनकम देंगे जिसके ऊपर आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है बट द मोमेंट बट द मोमेंट योर इनकम that दैट लेवल on guys, द मोमेंट इनकम exceeds दैट लेवल आपको टैक्स पे करना पड़ेगा मतलब उन्होंने हर इंसान को भी कवर कर लिया उसके टोटल इनकम को भी कवर कर लिया टोटल इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर बट उनका क्या कहना है कि हम तुम्हारे गुजारे के लिए कुछ इनकम छोड़ देंगे ओके okay? मतलब एक्सीड मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स क्लियर एक्सीट्स मैक्सिमम अमाउंट नॉट

ठीक है अब इस एस के पास क्या होना चाहिए इनकम होना चाहिए पर इनकम से सारा इनकम हम टोटल करके उसका टोटल इनकम निकालेंगे टोटल इनकम पैदा होने से आज तक का नहीं सिर्फ प्रीवियस ईयर का सिर्फ प्रीवियस ईयर का और ये इनकम क्या होना चाहिए एक्सीड्स मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स ठीक है अब 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 चार्जिंग सेक्शन सेक्शन फोर बोलता है कि इनकम टैक्स पे करो हमने इनकम निकाल दिया जिस पे टैक्स आना चाहिए बट टैक्स का रेट कितना रहेगा रेट कितना रहेगा तो यहां पे इनका कहना है एंड चार्जेबल टू इनकम टैक्स एट रेट्स प्रिस्क्राइब ध्यान से ध्यान से देखो ब्यूटी लॉ बनाने वाले का दिमाग देखो एट रेट्स प्रिस्क्राइब इन फाइना रेलिवेंट ईयर उनका क्या कहना है 1961 में जो रेट्स आपको एप्लीकेबल थे वो आज हम आपको एप्लीकेबल नहीं कर सकते बिकॉज रूपी का परचेसिंग पावर चेंज हो गया है इन्फ्लेशन चेंज हो गया है बराबर है कि नहीं राइट right? हा या ना हर साल इस इन्फ्लेशन के रिलेटेड इस मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज से रिलेटेड हम बजट लेके आते हैं फाइनेंस एक्ट के अंडर हा या ना हा या ना तो हम हर साल आपको बताएंगे कि आपके ऊपर कितना इनकम टैक्स राइट एप्लीकेबल होगा वो कहां पे बताया जाएगा फाइनेंस एक्ट में बताया जाएगा समझ में आ रहा है इसलिए वर्ड यूज क्या है एट रेट प्रिस्क्राइब इन फाइनेंस एक्ट ओके यस फॉर रेलिवेंट प्रीवियस ईयर समझ में आ रहा है एवरीबडी Yes, तो यहां से अपने को नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मिलता है दैट रेट्स वुड बी प्रिस्क्राइब इन फाइनेंस एक्ट गेटिंग एट एवरी वन ओके सो बस आई गिव यू हाफ अ सेकेंड आई वॉन्ट ईच वन ऑफ यू टू गो थ्रू द चार्जिंग सेक्शन वंस एंड देन हम आगे बढ़ेंगे और इन सारे एक एक कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे चलो ध्यान से ठंडे दिमाग से आई वॉन्ट यू टू गो थ्रू इट कमऑन गाइस एक बार चार्जिंग सेक्शन समझा तो ही आपको समझ पाएगा कि किस प्रकार से इनकम टैक्स एक्ट को डिजाइन किया गया है असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर सब कुछ मैं एक्सप्लेन ही करने वाली हूँ पूरा डिटेल में अभी सिर्फ समझ लो कि जहां जहाँ प्रीवियस ईयर होता है वहां वहां असेसमेंट ईयर का कॉन्सेप्ट भी आता है वो क्या है हम सुपर डिटेल में देखने वाले डोंट वरी कम ऑन एवरीबडी विथ मी ओके सेक्शन फोर क्या बोलता है एवरी पर्सन बिना देखे बोलने की कोशिश करो क्योंकि हमने लॉजिकली समझा है एवरी पर्सन इस पर्सन के पास क्या होना चाहिए इनकम इसका टोटल इनकम हम लेंगे सो एवरी पर्सन हूज टोटल इनकम टोटल इनकम कब का ऑफ प्रीवियस ईयर। ओके ये टोटल इनकम क्या होना चाहिए एक्सीड मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स फिर उसकी उसके ओके उसकी इनकम टैक्स की नजर उस पर्सन पे पड़ेगी और वो क्या बन जाएगा असेसी बन जाएगा इज एन अस बराबर है एंड चार्जेबल टू इनकम टैक्स एट रेट्स प्रिस्क्राइब इन फाइनेंस एक्ट फॉर रेलिवेंट प्रीवियस ईयर ऋतिक मैं बहुत बार आपको बोल चुकी हूँ कि इसका पी आपको शेयर हो जाएगा यस yes, यूट्यूब पे भी जहाँ पे ये लेक्चर होगा उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और जिन्होंने लेक्चर्स लिए हैं ओके okay, उनको तो उनके ड्राइव पे ही मिल जाएगा सो यू डू नॉट हैव टू वरी यस ये नोट्स आपको पी फॉर्म में मिल जाएंगे शल गो हेड ओके तो यहां से निकल के आया सबसे पहला कॉन्सेप्ट वो सबसे पहला कॉन्सेप्ट निकल के आया पर्सन का पर्सन हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन टू क्लॉज थर्टी वन हाया ना एवरीबडी यस टू क्लॉज थर्टी वन कैसे बोला मैम ने इसको मैं कैसे पढ़ूंगी एवरीबॉडी इसको मैं कैसे पढ़ूंगी सेक्शन टू सब सेक्शन ट्वेंटी टू क्लॉस ई सब क्लॉज ई ए हा एवरीबॉडी यस और नो देर इज अ सेक्शन सेक्शन के अंडर आता है सब सेक्शन सब सेक्शन के अंडर आता है क्लॉज और क्लॉज के अंडर आता है फिर यहां पे मैम ने सेक्शन के बाद क्लॉज कैसे यूज किया सी वट सेक्शन की बात करते हैं और सब सेक्शन की बात करते हैं मतलब ये जो सब सेक्शन है ना ये रिलेटेड टू सेक्शन है हाँ या ना बट इन डेफिनेशंस जहां पे हम सेक्शन टू की बात करते हैं वहां पे डेफिनेशंस बताए जाते हैं तो ऑल दीज डेफिनेशंस आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर वो रिलेटेड नहीं है एक दूसरे से इसलिए उनको सबसेक्शन नहीं कहा जाता उनको क्लॉज कहा जाता है समझ में आ रहा है एवरी वन यस ओके सो सेक्शन टू थर्टी वन क्या बोलता है हु इज अ पर्सन पूरा ध्यान यहाँ पे देना गाइस अब अब सेक्शन टू थर्टी वन हमको बताता है हु इज अ पर्सन ठीक है अब मुझे एक बात बताओ बच्चों एक बात बताओ हमने देखा कि इनकम टैक्स एक्ट विल बी एप्लीकेबल ऑन एवरी पर्सन तो पर्सन मतलब मेरे दिमाग में आया हा या ना हा या ना यस एवरी पर्सन बराबर है कि नहीं हा या ना ये कौन हैल्याजी yes, या ना हा या ना कितनी इनकम आपको पता है ना उनका जब गवर्नमेंट ने उनकी प्रॉपर्टी को सीज किया क्या कार्स निकली एक से बढ़िया एक कार एंड गिनती ही नहीं थी इतने सारे कार्स उनके प्रॉपर्टीज से गवर्नमेंट ने सीज किया पता है ना और उनका आई थिंक वो प्रॉपर्टी कितने में बिका समथिंग अराउंड एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं आई थिंक उन्होंने उसकी नीलामी करके उसको कुछ तो बीस से चालीस करोड़ के आसपास आई एम नॉट श्योर अबाउट इट ठीक है ठीक है गाइस ओके सो कहा थे हम हम कहा थे एवरी पर्सन एवरी पर्सन ओके ये सो आपने हमने माल्या जी ने क्या किया क्या किया पैसा कमाया सॉरी पैसा कमाया इनकम ऑन किया पर्सन हो गए उनको टैक्स पे करना है बराबर है बराबर है ओके okay. ओके, okay. पर जब मैं माल्या जी की बात करती हूं यस, yes, उन्होंने तो इनकम ऑन किया बट वॉट अबाउट हिज कंपनी वॉट अबाउट हिज कंपनी हाया ना उनको भी तो लेना चाहिए हाया ना मतलब माल्या जी जो पैसे कमाएंगे वो भी पर्सन और उनकी कंपनी जो पैसे कमाएगी वो भी पर्सन समझ में आया एवरीबॉडी सो पर्सन के डेफिनेशन में यस yes, ये इंडिविजुअल भी कवर हो रहा है और ये कंपनी भी कवर हो रहा है हाँ या ना फिर आजकल मुझे तो सुनाई दे रहा है यस yes, ईशा अंबानी आनंद अंबानी आ रहे हैं और बिज़नेसेस को टेक ओवर कर रहे हैं, बराबर है ना यस yes, यस yes, ये सबसे फेमस है एकता कपूर के सीरियल में ओके okay? हायाना हायाना द खन्नास हायाना यस yes, द uh, मल्होत्र बराबर है ना जिसमें एक बेटा तो निकम्मा होता है नहीं एक बेटा काम का होता है बाकी सारे बेटे निकम्मे ही होते हैं हाँ या ना yes, उनकी नाये लड़ती रहती है कि मेरा बेटा काम कर रहा है सारा पैसा उसको मिलना चाहिए बाकी माए बोलती है हम भी इस परिवार का हिस्सा है ध्यान से सुनना हम भी इस परिवार का हिस्सा है इसलिए हमको भी प्रॉपर्टी चाहिए मतलब यस yes. एच यू एफ फॉर्म में जो बिजनेस कर रहे हैं बराबर है कि नहीं या ना या ना तो so क्या उसका भी इनकम उसको भी तो टैक्स लगना चाहिए भाई हमने क्या पाप किया है right? राइट हम पे क्यों टैक्स हाँ या हा? ना उनको भी टैक्स एप्लीकेबल होना चाहिए देन यस पार्टनरशिप बराबर है जहां पे दो लोग एक दूसरे के साथ आके पार्टनरशिप कर रहे हैं ऐसा पार्टनरशिप कर रहे हैं और इनकम ऑन कर रहे हैं बराबर है सिर्फ बोल दिया कि पर्सन में इंडिविजुअल आएगा तो फिर इस पार्टनरशिप से टैक्स आएगा ही नहीं इसीलिए पर्सन का डेफिनेशन दिया गया है अलग से जहां पे उनका कहना है कि सुनो सात कैटेगरीज को हम इन्वॉल्व करेंगे और इन सातों कैटेगरी को हम पर्सन मानेंगे और जब वो पर्सन होंगे तभी तो उनका इनकम इनकम टैक्स के नजर में आएगा जिसके ऊपर उनको टैक्स पे करना पड़ेगा अगर वो पर्सन ही नहीं है ध्यान से सुनना गाइस अगर वो पर्सन ही नहीं है तो क्या उनपे इनकम टैक्स लागू हो सकता है क्योंकि पहला शब्द ऑफ चार्जिंग सेक्शन है एवरी पर्सन यस और नो यस yes और नो no? इसीलिए पर्सन का डेफिनेशन देना बहुत जरूरी था ओके यस तो उनका क्या कहना है जो भी इंडिविजुअल्स है जो भी कंपनीज है पार्टनरशिप कर रहे हो तो भी आपके एप्लीकेबल होगा अब यहां पे क्या देखा है भगवान से भी टैक्स लेंगे भगवान से भी टैक्स लिया जाएगा हया ना भगवान को भी पर्सन बोल दिया है यस yes, अब यहाँ पे भगवान मतलब आपको स्वर्ग में जाके पैसे लेने नहीं है इनका क्या कहना है कि ये जो बड़े बड़े स्थान है जहां पे बहुत भारी भक्कम इनकम जिनकी श्रद्धा होती है सी जैसे शिरडी के साई बाबा है यस yes, पुणे के दगड़ू शेठ है ना हर किसी की तिरुपति यस yes? कोई किसी कुछ बोला हाँ वैष्णो देवी हर किसी का अपनी क्या होती है ना बिलीफ होती है एंड एज दैट बिलीफ आपकी किसमें बिलीफ है यस yes. यस yes. तो हर कोई क्या करता है अपने बिलीफ के हिसाब से पैसे डिवोट ये करता है डोनेट करता है हाँ या ना एज अ डिवोशन तो अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि हम यहाँ पे भगवान से टैक्स ले रहे हैं मतलब हम परेश रावल जैसे लड़ने नहीं वाले हम उनको क्या कह रहे हैं इन भगवान के मंदिरों को संभालने वाला जो इंसान है अब हम भगवान को डोनेशन देते हैं हम स्वर्ग में जाके डोनेशन देते हैं क्या नहीं उस मंदिर के पेटी में ध्यान से सुनना गाइस उस मंदिर के पेटी में हम अपना डोनेशन दे के जाते हैं हम अपना जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन है वो दे के जाते हैं ना तो फिर वो पैसा बाद में कौन इकट्ठा करता है पंडित या तो फिर उस मंदिर का ट्रस्ट या ना हाँ या ना तो यहाँ पे वो मन भगवान से पैसे लेने की बात करे टैक्स देने की बात करे मतलब वो किसकी बात कर रहे हैं दोज ट्रस्ट विच आर हैंडलिंग द एंटायर टेम्पल समझ में आ रहा है ओके okay. यस yes, उनको भी कुछ बेनिफिट्स दिए गए हैं क्योंकि उनका मोटिव ये नहीं है कि प्रॉफिट कमाना बट उनको भी पर्सन बोला गया है हाँ, बाद में हम आपको आपसे टैक्स ना ले आपको माफी दे दे टैक्स से वो बात अलग है भाई पर आपको हम पर्सन मानेंगे समझ में आ रहा है एवरीबडी एवरीबडी ओके बोलने का मतलब क्या है कि रीजन समझ में आ रहा है कि पर्सन का डेफिनेशन देने की जरूरत क्या थी चार्जिंग सेक्शन फोर ने ठीक ठीक के बोल तो दिया एवरी पर्सन पर भाई पर्सन में कौन आएगा कौन नहीं आएगा ये भी तो बताना जरूरी था इसीलिए वो आ गए सेक्शन 231 लेके और सेक्शन बोलता है सेक्शन 231 बोलता है person includes, includes, includes मतलब एन इंक्लूसिव डेफिनेशन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंक्लूसिव डेफिनेशन यहां पे हमने जो बोला है वो सारों को कवर करने की कोशिश करी है ये छोड़कर ऐसा भी अगर कोई होगा तो भी हम उससे इनकम टैक्स लेंगे समझ में आ रहा है सो एवरी पर्सन इंक्लूड्स सबसे पहला कौन इंडिविजुअल सबसे पहला कौन इंडिविजुअल ओके okay? अब इंडिविजुअल को क्या कहा जाता है गाइस ये इंडिविजुअल मतलब क्या ओनली नेचुरल पर्सन ह्यूमन बींग्स नाउ ह्यूमन बींग्स में भी मेल्स एज वेल एज फीमेल्स बोथ आर कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ पर्सन समझ में आ रहा है एवरीबॉडी अब 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 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाए क्या सबने अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या बोलता है कि अगर uh, क्या है कौन कॉन्ट्रैक्ट नहीं फॉर्म कर सकता बताओ कौन कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता अनसाउंड माइंड पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड बराबर है ना बट पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड है ओके यस ध्यान से सुनना गाइस पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड है नो प्रॉब्लम बट उसको विरासत में खूब सारा पैसा दे के सुनना, अब क्या वो इंडिविजुअल है है, बट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वो कवर नहीं होता है हाँ या याना ऐसा नो तो यहाँ पे उनका क्या कहना है ऐसे माइनर्स यस ऐसे माइनर्स पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड जो खुद के हिसाब से बिहेव नहीं कर सकते बिकॉज उनके ऊपर कॉन्ट्रेक्चुअल राइट नहीं है माइनर तो वैसे ही साइन नहीं कर सकता हा या ना राइट अनसाउंड माइंड तो वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट uh, साइन नहीं कर सकता बराबर है ना अब जब मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ओके okay, टैक्स पे करती हूँ तो वहां पे मुझे टिक करना पड़ता है ना आई अग्री आई आई अग्री विथ ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन आई एम अबाइडिंग ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन इसका मतलब है इज कॉन्ट्रेक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी हा या ना तो अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है कि माइनर और अनसाउंड माइंड तुम कॉन्ट्रैक्ट नहीं एंटर कर सकते तो क्या उनसे हम इनकम टैक्स नहीं लेंगे क्या समझ में आया क्या उनसे हम इनकम टैक्स नहीं लेंगे क्या तो उनका क्या कहना है ऐसा माइनर ऐसा अनसाउंड माइंड उससे खुद से हम नहीं लेंगे बट उसको संभालने वाला भी तो कोई होगा उसको संभालने वाला भी उनको सॉरी संभालने वाला भी तो कोई होगा तो ऐसे माइनर से ऐसे पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड को, को कौन रिलेट करेगा उनके बिहाफ पे कौन काम कर रहा है मैनेजर सो so, हम टैक्स किससे लेंगे गाइस इस मैनेजर को भी पर्सन के डेफिनेशन में इंक्लूड कर दिया है समझ में आ रहा है यस यसा नो यस यसा नो ठीक है अब बहुत थोड़े दिनों पहले ओके okay, अब उन्होंने ना हाईवे पे पीछे जो बैठा है उनको भी सीट बेल्ट पहना कंपलसरी कर दिया क्यों क्यों वो तो मुझे भी पता है सेफ्टी के लिए सीट बेल्ट पहना जाता है फिर अभी क्यों सायरस मिस्त्री याद आया क्या सुना है साइरस मिस्त्री जो टाटा के ऑफिस ऑफिशियल लिस्ट में बड़ा नाम था उसका रिसेंटली एक्सीडेंट हुआ था कार एक्सीडेंट हुआ था और वो पीछे बैठा था और ही डाइड इन दैट एक्सीडेंट कुछ याद आया यस yes. तो उनका अब अब समझो अब समझो बोलने का मतलब क्या है यस yes, पालघर में हुआ था बराबर है ध्यान से सुनना का ध्यान से सुनना अब वो किसी बिजनेस मीटिंग के लिए कहीं पर भी जा रहे थे ट्रैवल कर रहे थे बट उनका एक्सीडेंट हो गया उनका एक्सीडेंट हो गया तो नाउ okay? ही पहले ध्यान से कमान आज के पहले तो वो अलाइव थे तो आज के पहले क्या उन्होंने इनकम मन किया है हाँ पर आज डिसीज हो गए तो अब गवर्नमेंट क्या स्वर्ग में जाएगा टैक्स लेने के लिए बोलो नहीं तो उनका क्या कहना है ऐसे डिसीज पर्सन के लीगल रिप्रेजेंटेटिव से हम उनका टैक्स लेंगे जब तक वो जिंदा थे जब तक उन्होंने इनकम अर्न किया तब उनका जो टैक्स है वो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव पे करेगा लीगल रिप्रेजेंटेटिव खुद के जेब से नहीं उसके स्टेट में जो स्टेट पास ऑन होती है उस स्टेट में से उनको टैक्स पे करना पड़ता है क्लियर एवरीबॉडी क्लियर एवरीबॉडी यस अंडरस्टैंडिंग यस तो हम क्या देख रहे हैं सबसे पहले हमने स्टार्ट किया सेक्शन फोर को देखना सेक्शन फोर चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट चालू ही होता है इस सबसे एवरी पर्सन तो भाई हमने सोचा कि क्यों ना पर्सन का मतलब अब समझ ही ले तो हम चले सेक्शन टू थर्टी वन के पास किसके पास किसके पास सेक्शन टू थर्टी वन सेक्शन टू थर्टी वन सेक्शन 231 थर्टी वन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट नाइनटीन डिफाइंस डिफाइन्स पर्सन क्या बोला गया है पर्सन इंक्लूड्स पर्सन इंक्लूड्स कौन इंक्लूड करता है नंबर वन इंडिविजुअल किसको इंडिविजुअल ओके okay, यहाँ पे क्या कहना है उसका एवरी नेचुरल पर्सन चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो इट विल बी दैट पर्सन विल बी ट्रीटेड एज इंडिविजुअल और अगर वो इंडिविजुअल है तो पर्सन है और अगर वो पर्सन है तो चार्जिंग सेक्शन फोर में कवर होगा क्लियर एवरीबॉडी क्लियर एवरीबॉडी फिर यहाँ पे उनका क्या कहना है कि अगर कोई माइनर है अगर कोई अनसाउंड माइंड है तो वो खुद का तो डिसीजन ले ही नहीं सकते ओके okay, वो कॉन्ट्रेक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी में एंटर हो ही नहीं सकते इन दैट केस उनके भी हाफ पे कौन काम करेगा <coughs> कौन काम करेगा मैनेजर डू यू अंडरस्टैंड एवरी वन और जो डिसीज है उनके भी हाफ पे कौन काम कर रहा है लीगल रिप्रेजेंटेटिव लीगल रिप्रेजेंटेटिव ठीक है ये yes, अब उसके बाद हमने क्या देखा यस yes, फैमिली बिजनेस हयाना इंडिया इज अ ट्रेडिशन वे ज्वाइंट फैमिली इज अ वेरी 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 ये क्या है कॉमन वेरी कॉमन एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट हायाना तो अब एच यू एफ एच यू एफ का मतलब क्या है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली अब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली गाइज प्लीज फोकस एच यू एफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मतलब क्या हम किस फैमिली में पैदा होने वाले है ये क्या हमारे हाथ में है अब एच में हमारी एंट्री बाय बर्थ मिलती है कि बाय कॉन्ट्रैक्ट बाय बर्थ ओके हम एच को संभालने वाले कौन लोग होते हैं कर्ता और कर्ता के साथ जो दूसरे लोग होते हैं उनको क्या कहा जाता है अब मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बेसिक सा सवाल है को पासर्स एंड मेंबर्स आर वन एंड द सेम ट्रू और फॉल्स फॉल्स पक्का सोच लो हंड्रेड परसेंट कौन बता पाएगा कि वाई इट इज फॉल्स हाँ huh? मैं ऐसे ऐसे की बात ही नहीं कर रही हूं मैं क्या बोल रही हूं एच यू एफ इज मेड ऑफ करता एंड को पासनर्स ऐसा नो मेरा सवाल ये है कि को मतलब मेंबर्स यू एफ वो को है, है यहाँ या ना तो मेरा बोलने का मेरा क्वेश्चन क्या है मेंबर्स एंड को पास एच यू एफ आर सेम वन एंड द सेम ट्रू और फॉल्स कम ऑन गाइस वेरी गुड पीयूष बोलो बच्चों सोचो सोचो Yes guys nobody Nobody Up the head of the family is known as what karta guys focus the head of the family is known as करता और उस बाय बर्थ ध्यान से सुनो बाय बर्थ जो उस फैमिली के मेंबर्स है उनको कोपासनर्स कहा जाता है पर जब उनकी शादी होके उनकी वाइफ्स आती है ध्यान से सुनना तो क्या वो फैमिली का हिस्सा बनती है क्या उनको कोपासनर कहा जाता है उनको मेंबर्स कहा जाता है डू यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस कैन आस्क फॉर पार्टीशन but members cannot ask for partition of huf do you understand everyone do you understand okay so huf is made up of karta and co partners these co-passers co-passers are members see every co is a member but every member is not a co partner मेंबर्स ऑफ द फैमिली बाय बर्थ आर नोन एज कोपासनर्स बट जो बाद में शादी के और पे बनते हैं उस फैमिली का हिस्सा में कहा जाता है क्या नहीं उनको सिर्फ कहा जाता है क्लियर क्लियर एवरीबॉडी ओके सो पर्सन के डेफिनेशन में सबसे पहली कैटेगरी देखी हमने इंडिविजुअल्स की नेक्स्ट कैटेगरी एच यू एफ ना नेक्स्ट कैटेगरी इज पार्टनरशिप फॉर्म एंड एल एल पी पार्टनरशिप फॉर्म एंड एल एल पी द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म टू और मोर कम फॉर रनिंग अ बिजनेस एंड शेयरिंग ऑफ नो उनका रूलिंग पावर क्या होता है पार्टनरशिप डीट होल एल पी गाइज फुल फॉर्म नहीं पूछा मैंने वॉट इज द मीनिंग ऑफ एल एल पी हाउ डज इट फंक्शन

यस yes. चलेंगे आगे अब हमने देखा है कि पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर माइनर भी पार्टनर बन सकता है हाँ या ना सुना है ऐसा कुछ माइनर बन सकता है बट उसमें कुछ लिमिटेशन है ओनली टूअर्ड द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप प्रॉफिट हुआ तो शेयर करेगा लॉस हुआ तो भाग जाएगा बराबर है ये इज एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप शैल ऑल्सो बी ट्रीटेड एज पर्सन पार्टनरशिप फॉर्म का हिस्सा ही मतलब ही पर्सन गेटिंग इट एवरी वन इसीलिए तो पर्सन में भी इधर भी यहाँ पे माइनर को अलाउ किया है यहां पर भी देखो माइनर को अलाउ किया है तो माइनर से टैक्स नहीं लिया जाएगा उसके गेटिंग इट एवरी वन देन नेक्स्ट है कंपनी नेक्स्ट क्या है कंपनी है गाइस okay. yes. ओके कंपनी हमने देखा एक इंडिविजुअल खुद के टर्म पे और उसकी कंपनी है तो वो खुद भी पर्सन माना जाएगा और उसकी कंपनी भी पर्सन सॉरी उसकी कंपनी भी पर्सन मानी जाएगी नाउ आई टू टेल यू फॉर सर्टेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग्स पूरा ध्यान यहां पे गाइस पूरा ध्यान यहाँ पर कंपनी यस चार्जिंग सेक्शन कौन सा है पर्सन बीन डिफाइंड अंडर विथ सेक्शन सेक्शन टू ट्वेंटी सेवन कौन सा सेक्शन सेक्शन टू ट्वेंटी सेवन सेक्शन टू ट्वेंटी सेवन क्या बोलता है अब कंपनी कई प्रकार के होते हैं गाइस 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 कंपनीज कई प्रकार के होते हैं मैंने कुछ तो ऐसा इंडियन कंपनी और डोमेस्टिक कंपनी के बारे में सुना है आपने सुना है क्या सुना है क्या इंडियन कंपनी डोमेस्टिक कंपनी ऐसा अरे कुछ तो बोलो बच्चो सुना है राइट right? सुना है क्या ठीक है तो अब ध्यान से सुनना गाइस अब इंडियन कंपनी डोमेस्टिक कंपनी तो वन एंड द सेम है ट्रू और फॉल्स इंडियन कंपनी एंड डोमेस्टिक कंपनी इज वन एंड द सेम ट्रू और फॉल्स ट्रू है ना इंडियन डोमेस्टिक सेम सेम तो है नहीं फॉल्स की ट्रू फॉल्स एवरीबॉडी, तो इसमें अगर फॉल्स तो ये अलग अलग कैसे नहीं, एनीबॉडी एल्स नहीं हाँ क्या सो सॉरी इज वो अब उसको adopt कर रहे चाइल्ड को मतलब वो उनके फैमिली में एंट्री दे रहे हैं सो so, ये अडोप्टेड चाइल्ड भी यहाँ पे कवर्ड है एच यू एफ में ओके गाइज गाइज हाँ हाँ यहाँ पे आंसर्स आ रहे हैं यस आंसर्स है कि एक इंडियन कंपनी एमएंसी भी हो सकती है बिल्कुल हाँ आशुतोष इज सेइंग इंडियन कंपनी बट कैन बी एनी होल वर्ल्ड ओके रिचिता बोल रही है जो डिविडेंड में देती है वो इंडियन कंपनी नहीं होती जो डिविडेंड इंडिया में देती है वो इंडियन कंपनी नहीं होती इंडियन कंपनी इज अ ब्रॉड टर्म ऐसे पीयूष का कहना है बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताती हूँ बहुत सिंपल लैंग्वेज अब आपको पता है ना गाइस अब आपको पता है कि इंडिया नंबर वन पॉपुलेटेड कंट्री हो गई है फिर से हा या ना अब ध्यान से सुन लो गाइस अब मुझे बताओ डोमिनोज ये इंडियन कंपनी है कि फॉरेन कंपनी अब ये फॉरेन कंपनी ध्यान से सुनना गाइस ध्यान से सुनो ये इंडिया में नहीं है इंडिया से बाहर है इंडिया के बाहर रजिस्टर्ड है तो जब हम कंपनी की बात करते हैं गाइस तो कंपनी के केस में वो कंपनी कहां से चल रही है वो इंपॉर्टेंट है कंपनी कहां पे रजिस्टर्ड है वो इंपॉर्टेंट है तो जिन्होंने भी जवाब दिया कि वो इंडिया में ऑपरेट नहीं करती है मैनेज नहीं करती है वो सब गलत है कंपनी के केस में सिर्फ रजिस्ट्रेशन मैटर करता है डू यू अंडरस्टैंड डू यू अंडरस्टैंड एक तो जो कंपनी इंडिया में रजिस्टर्ड है कंपनीज एक्ट 2013 या कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर जो रजिस्टर्ड थी उनको हम इंडियन कंपनी मानेंगे यहां पर किसी को कोई डाउट जो इंडिया के एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड है वो इंडियन कंपनी है नो कंफ्यूजन नो कंफ्यूजन एट ऑल अब हुआ क्या अब ध्यान से सुनना गाइस अब हुआ क्या डोमिनोज ओके इंडिया के बाहर की कंपनी है बट इंडिया का पब्लिक तो भाई पागल है ओके इंडिया का पब्लिक पागल है अब इंडिया में आबादी इतनी है कि उनका पिज्जा बिक ही जाता है ध्यान से सुनना ध्यान से सुनना इंडिया में आबादी इतनी है कि उनका पिज्जा इंडिया में बिक ही जाता है अब सवाल क्या आया अब सवाल क्या आया ध्यान से सुना गाइस अब वो कंपनी है वो फॉरेन कंपनी है अब वो फॉरेन कंपनी का किस्सा हुआ क्या उस फॉरेन कंपनी ने खुश होके खुश होके अब सी अब उसको अगर इंडिया में भी काम चलाना है तो उन्होंने इंडिया में भी कुछ आउटलेट्स ओपन किए रहेंगे उनकी कंपनी ओपन करी रहेगी हाँ ना अब वो एस्टेब्लिश इंडिया in तो है ही नहीं बट वो खुश होके उन्होंने इंडिया में उन्होंने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया अब उनके कस्टमर्स को खुश रखना ये तो उनकी ड्यूटी है इसलिए उन्होंने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया इंडिया में मेरा कस्टमर बेस मेजर इंडिया में तो मैंने डिविडेंड डिक्लेयर किया इंडिया में एक्चुअली वो इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है पर वो इंडिया में डिविडेंड दे रही है अब मुझे एक बात बताओ गाइस अब अगर कोई कंपनी जो इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है पर इंडिया में डिविडेंड दे रही है तो कहीं ना कहीं उसको इंडिया से कुछ बेनिफिट होता रहेगा तभी तो डिविडेंड दे रहा है कौन फ्री में इंडिया में आके डिविडेंड देगा भाई नहीं तो हायाना तो यहाँ पे इनकम टैक्स आ क्या बोलता है कि सुन फॉरेन कंपनी तो इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है ये मुझे पता है बट तू अगर इंडिया में आकर तुम अगर इंडिया में आकर डिविडेंड दे रहे हो इसका मतलब ये है कि डेफिनेटली तुमको इंडिया से कुछ बेनिफिट हो रहा है तो हम आपको डोमेस्टिक कंपनी मान के आपको पर्सन ट्रीट करेंगे ताकि इंडिया से रिलेटेड जो भी आपको इनकम होगा उसका टैक्स आपको इंडिया में देना पड़ेगा समझ में आया क्या पक्का आया क्या सो so अब कंपनी का डेफिनेशन देखते हैं कंपनी के बारे में उनका क्या कहना है कंपनी मे बी रजिस्टर्ड इन इंडिया मे बी रजिस्टर्ड

हाँ या ना तो उसको और तो अगर बाहर रजिस्टर्ड है और बाहर ही डिविडेंड दे रही है तो हमारा कुछ लेना देना नहीं भाई तू तो फॉरेन कंपनी समझ में आ रहा है ओके बट उनका क्या कहना है अगर तू फॉरेन कंपनी है पर तू फॉरेन में रजिस्टर्ड है बट अगर तू इंडिया में आके डिविडेंड दे रहा है इन दैट केस यू वुड बी ट्रीटेड एज डोमेस्टिक कंपनी और डोमेस्टिक कंपनी में ये दोनों भी आते हैं इंडियन कंपनी और फॉरन कंपनी विच डिक्लेयर डिविडेंड इन इंडिया इज नोन एज डोमेस्टिक कंपनी सो डोमेस्टिक कंपनी का स्कोप इज वाइडर देन दैट ऑफ इंडियन कंपनी इंडियन कंपनी इज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक कंपनी डू यू अंडरस्टैंड डू यू अंडरस्टैंड एवरी वन पीयूष वहां तक जाओ मत दोनों कंट्री में टैक्स देना होगा क्या क्या होगा वो बहुत आगे की बात है अभी फिलहाल हम लोग कंपनी समझ लेते हैं ठीक से ओके वहां पर भी जाएंगे डोंट वरी यस गेटिंग आइज येस ओके इज इट इंटरेस्टिंग यस ओके तो कमान वंस अगेन फिर राइटिंग भी करना है यार आज तो टाइम निकल गया कमान 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 एवरी वन ठीक है आगे का पार्ट देख लेते हैं कंपनी में इंक्लूड होता है कॉरपोरेशन भी जो स्टेट एक्ट के अंडर जैसे एल है आर है सेबी है ये कहाँ पे एस्टेब्लिश होते हैं? अंडर सेंट्रल स्टेट और प्रोविंशियल एक्ट है हाँ या ना ऐसे ही सेंट्रल एक्ट प्रोविंशियल एक्ट स्टेट एक्ट के अंडर अगर कोई कॉरपोरेशन बने हैं उनको भी हम कंपनी ही ट्रीट करेंगे ना एओपी बी का मतलब क्या है असोसिएशन ऑफ पर्सन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स एसोसिएशन ऑफ पर्सन का मतलब क्या है दो पर्सन एसोसिएट होते हैं और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स मतलब दो एसोसिएट होते हैं फर्क समझो जब एक इंसान दूसरे इंसान के साथ आकर एक बॉडी बनाता है उसको बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स कहा जाता है बट एक इंसान और एक कंपनी एक साथ आके काम करते हैं उनको एसोसिएशन ऑफ पर्सन कहा जाता है समझ में आया कि नहीं आया नहीं आया नहीं आया, नहीं आया? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल 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 जिसके दो हाथ होते हैं दो पैर होते हैं समझ में आया ऐसे इंडिविजुअल एक साथ आते हैं तो उसको बॉडी ऑफ इंडिविजुअल कहा जाता है पर अगर एक इंडिविजुअल और एक कंपनी कंपनी भी पर्सन है और इंडिविजुअल भी पर्सन है ऐसे एसोसिएशन होता है तो उसको एसोसिएशन ऑफ पर्सन कहा जाता है क्लियर एवरीबॉडी एसोसिएशन ऑफ पर्सन इज ऑलवेज वॉलेंटरीली इंडिविजुअल प्लस अदर्स एंड दे कॉमन

एंड एवरीवन जिसके पास इनकम अर्निंग कैपेसिटी है उसको हम पर्सन मानेंगे हाँ या ना पर यहां पे कहीं पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के बारे में कुछ बात ही नहीं करी है इन्होंने क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है देश को चलाना ना कि तुमसे इनकम जनरेट करना जब उनका काम ही नहीं है इनकम जनरेट करना तो हमने इनको पर्सन के डेफिनेशन से बाहर कर दिया है क्लियर एवरीबॉडी? क्लियर एवरीबॉडी? ओके यस तो चलो अब जल्दी से लिखेंगे यस yes, बैंक को भी पर्सन कंसिडर किया जाएगा एब्सोल्युटली यस। इट विल डिपेंड करता है आपको ऑपरेटिव सोसाइटी हो किस फॉर्म में फंक्शन कर रहे हो उस हिसाब से उस हिसाब से आपको उस कैटेगरी में डाला जाएगा चलो जल्दी से राइटिंग करेंगे गाइस सुन रही हूँ सुन रही हूँ बोलो हाँ कुछ बोला हम्म एक काम करते हैं लिख लेते हैं फिर उसके बारे में बात करते हैं फर्म और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स फर्म इज बेसिकली फॉर्म ओनली फॉर वन इंटेंशन प्रॉफिट बट बीओ का ऐसा नहीं है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स कैन बी फॉर एनी ऑफ इंटेंशन यस यस वो तो कंपनी है ना तुमने बोला ही सेक्शन एट कंपनी कंपनी तो वो कंपनी में जाएगी वो अलग बात है हम अभी यहाँ पे पर्सन है कि नहीं देख रहे है? उसका इनकम कैसे टैक्स होगा वो बात अलग है समझ में आ रहा है यस गाइस कम ऑन जल्दी जल्दी राइटिंग कर लेते हैं आज वैसे कुछ ज्यादा नहीं है राइटिंग के लिए यस yes, गाइस लिखना है अच्छे से ट्रस्ट मी इसका आपको बेनिफिट होगा हंड्रेड परसेंट अब प्रीवियस क्लास के लिए नोट्स स्पेस तो छोड़ना होगा बट अभी आज का तो लिख लो आई कैन नॉट टेल यू हाउ मेनी पेजेस एग्जैक्टली कुछ एक पांच छः पांच से छह पेजेस छोड़ दो अगर छोड़ना ही है तो Yes. इसका पीडीएफ आपको ड्राइव में भी और यूट्यूब या इसके डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और ड्राइव में भी मिल जाएगा क्या तो मिल जाएगा हो सकता है ना थोड़ा सा आपके नोटबुक्स में ही है नोटबुक में तो है ही आई can't हेल्प यू with ऑल दैट प्लीज done guys। अरे वेरी गुड क्वेश्चन ये सब्जेक्ट प्रैक्टिकल है या थेरी अब कैसा है ना ये सब्जेक्ट ऐसा है थ्योरी समझे बिना प्रैक्टिकल नहीं आता और प्रैक्टिकल किए बिना थ्योरी नहीं समझ में आता सो इट्स अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ प्रैक्टिकल एंड थ्योरी दोनों भी सवाल दोनों भी टाइप ऑफ क्वेश्चन यहां पे पूछे जा सकते हैं डन गाइस क्या हुआ किसी का कुछ बाकी है इतना धीरे लिखोगे तो कैसे होगा हो गया Ongoing Batch. बिकॉज इट इज़ अवेलेबल ऑन यूट्यूब इसीलिए वो अवेलेबल नहीं है ऐप पर dan. Subject matter of laws made by Parliament and State Legislature. अब आप इस लिस्ट वन लिस्ट टू लिस्ट थ्री के नीचे ही एग्जाम्पल्स लिख सकते हो कौन से कौन से सब्जेक्ट मैटर्स पे वो उन्होंने लॉ बनाए जो अगले स्लाइड्स में दिखाऊंगी। Done guys? इनके एग्जाम्पल सिर्फ आप लिस्ट वन के नीचे लिख सकते हो लिस्ट वन लिस्ट टू लिस्ट थ्री था लिस्ट वन के नीचे ये एग्जाम्पल लिख दो बैंक्स डिफेंस रेलवेज फॉरन ट्रेड बैंक्स डिफेंस रेलवेज फॉरन ट्रेड लिस्ट वन में बाबा देखो लिस्ट वन डन लिस्ट के नीचे एग्रीकल्चर पुलिस प्रिजन लेकर डन गाइस लिस्ट थ्री का एग्जाम्पल लिख लो एजुकेशन ट्रेड यूनियन फॉरेस्ट लॉज लिस्ट वन में कौन कौन है बैंक्स फॉरेन ट्रेड डिफेंस रेलवे राजेश इट इज बैंक्स फॉरेन ट्रेड डिफेंस एंड रेलवे ओके दिया डन अब आर्टिकल 265 तो बहुत सिंपल है नो टैक्स कैन बी और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ Yes, Prajesh. Done, guys. वो पीडीएफ मिलेगा फिर कुछ दिन बुक में रहेगा फिर धीरे से वो बुक में से बैग में चला जाएगा फिर बैग में पड़ा रहेगा थोड़े दिन फिर जब उसके कॉर्नर्स फटने लग जाएंगे, फिर कहीं पर तो उसको you know, कबर्ड में रख दिया जाएगा और उसके बारे में भूल भू, भूला जाएगा इसीलिए मैं उसको लिखवा रही हूँ आपके नोटबुक में वरना आपको प्रिंट आउट देना तो मेरे लिए कितनी आसान चीज है हा या ना हम भी कभी यू you नो know, उस पार्ट में हिस्सा थे हाँ या ना न yes, कुछ साल पहले हम भी उधर थे हाँ या ना सो आई नो इट वेरी वेल डन गाइस हो okay. गया डन एक एक लाइन तो है जल्दी हो गया ना done okay okay look you look you look you 要吗？ आपको लिखना है तो नहीं लिखा तो चलेगा डन गाइज बस इसके बाद एक ही स्लाइड है वो लिख लेते हैं देन यूल बी फ्री हो गया ये तो सिंपल है बस छोटा सा चार्ट है बस बस लास्ट चार्ट लास्ट चार्ट का इस्कमॉन सिंपल है बस चार्ट ही तो है कैसे लिखेंगे मतलब पर्सन डिवाइडेड इंटू सेवन कैटेगरीज आप पिक्चर छोड़ के फिर लिख लो अच्छा हाइल मेक इट सिंपल फॉर यू येव वन सी दिस इज वन देन दिस इज टू थ्री फोर फाइव इट इज इजियर ना सेवन आप समझ में आ गया वर्टिकल पेज पर नहीं बैठ रहा तो आप उसको हॉरिजोंटल पेज पे भी पे ड्रॉ कर सकते थे इट बी ईजियर पेज को हॉरिजोंटल करके लोकल अथॉरिटी एक्सप्लेनेशन ज्यादातर तो इंडिविजुअल कंपनी और एओपी बी ओ आई के लिए है बाकी किसी के लिए ज्यादा एक्सप्लेनेशन है भी नहीं क्या देखो ठीक से फोर्थ नंबर पे क्या है कंपनी है ना ओ अच्छा 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 वो व्हाइट बैकग्राउंड की वजह से नहीं दिख रहा है अच्छा ओके अभी क्या क्या नहीं दिख रहा है ऑनलाइन कहां पर बट अभी इसका मैं कुछ नहीं कर सकती इसको छोटा नहीं कर सकती जूम भी नहीं कर सकती क्योंकि ये प्रेजेंटेशन है ना जिनको नहीं दिख रहा है उनको पीडीएफ मिल जाएगा तो वो कॉपी कर लेंगे आई थिंक स्क्रीन थोड़ा सा ना बिकॉज इससे मैं जूम नहीं कर सकती पीयूष एहमद आई लुक इन टू इट बी ओ अच्छा वो भी नहीं दिख रहा है मतलब जो भी ग्रे में है वो नहीं दिख रहा है इन शॉर्ट तो मैं वो आप लोगों के लिए लिख लेती हूं कंपनी कंपनी का सेक्शन टू सेवेंटीन है क्या नहीं समझ में आ रहा तुमको बोलो एच के नीचे कुछ नहीं है मैंने वही बोला एक्सप्लेनेशन सिर्फ इंडिविजुअल कंपनी एओपीबीओआई का है इंडिविजुअल है ओनली नेचुरल पर्सन दैट इज ह्यूमन बीइंग मेल्स फीमेल्स इंक्लूड्स माइनर और अनसाउंड का मैनेजर डिसीज का लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो गया इंडिविजुअल का किस्सा खत्म फिर एच है एफ में कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है पार्टनरशिप फॉर्म एन एल है देन कंपनी है कंपनी के नीचे तो चार्ट ही है रजिस्टर्ड इन इंडिया रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया एनीथिंग रजिस्टर्ड इन इंडिया इज इंडियन कंपनी यस और नो अच्छा YouTube पे क्लियर है क्या हाँ थोड़ा ऐप पे हो सकता है ना क्योंकि छोटी स्क्रीन रहेगी डन गाइस आपका अगला क्लास है याद रखना फोटो लेने के बाद वो मेमोरी बन जाती है मेमोरी में नहीं जाता हमेशा याद रखना ऑलवेज रिमेम्बर आप जो नोटबुक में लिखोगे वही आपके काम आने वाला है चाहे कितने ही पीडीएफ्स में दे दूं चाहे कितने भी आप फोटोज ले लो आर्टिकल टू सिक्सटी फाइव बोलता है uh, मैं अभी कर दू आपको नो टैक्स कैन बी लेवीड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ नो टैक्स कैन बी लेवीड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ डन गाइस दो मिनट रुकना फिर जब राइटिंग हो जाएगा मैं दिखा देती हूं टू ट्वेंटी टू है वो नीचे आ गया है सेम 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 थैंक यू सो मच ज़्यादा इंटरेस्टिंग आपके बैकअप से रिलेटेड जो भी इश्यूज होंगे काइंडली आप टेक्निकल टीम को कांटेक्ट कीजिए पीडीएफ जिनको नहीं मिला है वो यहां पर और ड्राइव में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप देख लो Sorry. Done, guys? Okay. So, bye bye, and see you in the next session. Bye bye, guys.